बिल्कुल वोड पै कर यहाँ पर बोलना चाहेंगे फिलहाल चलते हैं गाइस टीम्स की तरफ एंड टीम्स को देख लेते यार कौन कौन सी टीम्स आज हमको यहाँ पर नजर आने वाले कौन कौन से वो नाम से होंगे जो यहाँ पर लगातार एक के बाद एक गेम में जाओ तबाही यहाँ पर मचाएंगे पहला नाम टोटल गेमिंग यहाँ पर रहने वाला टोटल गेमिंग के लिए यार फैंस बहुत ही ज्यादा हमको नजर आने वाले उसके बाद हमारे असैसिन आर्मी यहाँ पर कहने की हमको नजर आ जाएगी देखा जाए तो असैसिन आर्मी बहुत एक्सपर्ट रहेगी भू यहां पर अच्छे प्रकार से निकालने का ट्राई करेगी उसके बाद टीम में लीड रहेगी यार यार क्या बोला जाए अनबिलीवेबल गेम प्ले यहां पर बोला चाहूंगा टीम लीड के लिए जो यहाँ पर रश करेगी एंड रश करके यहाँ पर किल्स भी निकाले जाएंगे उसके बाद हैप्पी प्रिंस यहाँ पर कहने की हमको नजर आ गया कंसिस्टेंसी पूरी की पूरी बरकरार यहाँ पर रखने में यह टीम बहुत ज्यादा माहिर है उसके बाद एलवेल आयकॉनिक यहाँ पर कैसा गेम प्ले आज रहेगा वो देखा जाएगा बट कहेंगे टीएस हार रहेगी इधर फैन फेवरेट टीम यहाँ पर रहने वाले ये टीम लगातार मचाएंगे जो हमारे फैंस है वो लगातार हैश टैग भी यहाँ पर लगाएंगे जी बिल्कुल गाइज आपको हैशटैग लगा के यहाँ पे हर एक टीम का यार नाम स्पैम करना है अपने हार्ड होगा हो वो तो यार सवाल होने वाला है सवाल बस फोर भी होने वाली है जिया गाइज यहाँ पे इनका भी फायर पावर देखने के लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा टीम हिंद तो देखना पड़ेगा आज किस प्रकार से गेम प्ले करते हैं बिकॉज यार कहीं ना कहीं नई लाइनअप होने वाले देखना पड़ेगा प्रो नेशन की बात की जाए तो अब यहाँ पे कितने सारे बुआ इनके खाते में होने वाले हैं बट यार इनके राजा के ऊपर मैं निगाह बिल्कुल रखना चाहूंगा सोल की बात की जाए संजीव तो यार टीम सोल एंड यहाँ पे कहना के टी हार्ड इन दोनों का गेम प्ले किस प्रकार से चलता है बिकॉज ये दोनों कहना के मोस्ट ऑफ द टाइम सेम स्पॉट के ऊपर उतरते हैं अर्ली फाइट यहाँ पे लेना पसंद करते बट एक और बड़ा नाम होने वाला है गाइज एस साबिर गेमिंग सबीर गेमिंग आई थिंक देखा जाता स्टोन क्रशर यहाँ पर टीम सोल यहाँ पर रहने वाले एक से बढ़कर एक नाम यहाँ पर रहने वाले yes. बड़े बड़े नाम कहने के हमको नजर आने वाले बट प्रो निशन रहने वाली राजा यहाँ पर लगातार जो है वो मचाने वाले बट कहने की राजा मचाएंगे बट यार क्या राजा की तिजोरी खाली हो पाएगी यहाँ पे राजा अपनी तिजोरी भरेंगे वो यहाँ पर देखा जाएगा बहुत बड़ा सवाल है बट गाइस आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो बनाए रखना लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करते रहना अपनी टीम के लिए बिल्कुल हैशटैग लगाने शायराना अंदाज जो आपकी क्रिएटिविटी होती न, है ना वो पर कमेंट्स करते रहना आपके जितने भी कमेंट्स यहां पर आएंगे हम हर एक कमेंट के ऊपर नजरें आपकी बनाकर रखना चाहेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे यार गेम से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रही कि यार ऐसा हो तो हम क्या करें ऐसा हो तो यार क्या करें वैसा हो तो या क्या, तो क्या करें पेड़ पर चढ़ जाएं या फिर क्या कुछ भी यार आपके पास प्रॉब्लम है ना वो हमें यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हम उसका रिप्लाई देंगे आपका नाम भी यहाँ पर लेकर आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देखें जी बिल्कुल गाइज आंसर्स तो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले बट कुछ सवाल ऐसा है संजीव जिनको समय के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कौन सी टीम सबसे तगड़ा पहाड़ खड़िया करेगी वो यहाँ पे रैंक पॉइंट्स का वो देखना पड़ेगा यहाँ पे यार क्या पहले ही, पहले ही नंबर से यहां अच्छा से मैच पे अच्छे बना के रखेगी या कुछ ना कुछ उचाव एंड चढ़ाव देखने को मिलेंगे जी अगर बात की जाए यहाँ पे हर एक टीम की तो वो यहाँ पे कितनी देर तक कंसिस्टेंसी दिखा पाएगी हर एक बार यहाँ पे यार बहुत सारी टीम मचाने की कोशिश करती है बट कहीं ना कहीं यार गलतियां होती है कहीं ना कहीं कम करने की

टॉप टीम्स होने वाले कौन से वो चार नाम आज चमकेंगे एंड आगे यहां से बढ़कर जाएंगे बट कहे ना यार बहुत ज्यादा फाइट एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी छह मैच है तो यार दस से पंद्रह पॉइंट यहां पर टीम्स को जो है वो पर गेम निकालने पड़ेगी यानी निक कि यार एवरेज पॉइंट्स आपके जो पर गेम होने चाहिए वो ऑलमोस्ट आई थिंक ट्वेल्व और थर्टी अगर निकालते तो सेफली यहाँ से क्वालिफाई होकर जा पाएंगे जी बिल्कुल यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी टीम

जी हाँ यहाँ पे देखना पड़े ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि यार टीम्स कैसे लगातार आगे बढ़ पाएंगे बट कहने के समय ड्रॉप लेकर जाना पड़ेंगे यहाँ पर स्कैनर भी बहुत ज्यादा जरूर होगा गाइस अगर देखा है तो प्लेन में यार कितने बंदे आपके साथ बचे हुए एंड कितने उतर चुके वो आपको जो स्कैनर है वो यहाँ पर बताएगा कौन से एरिया पे कोई टीम नहीं उतरी है एंड आप लोग देख सकते हैं प्लेन के अंदर प्लेयर जो लिखे रहेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी कितने बचे हुए कहीं किसी एरिया पे कोई टीम नहीं उतरी तो आप इजिली वहां पर लैंड कर सकते हैं अच्छे लूट के साथ एक अच्छा रोटेशन लेने के साथ साथ सर्कल में जाकर बैठ सकते हो यार बिल्कुल भी देरी नहीं करनी बहुत ही सिंपल सा है समय ड्रॉप लेकर जाइए

<laughs> <laughs> यार ये सवाल यहाँ पे बहुत ज्यादा फनी होने वाला है देखना पड़ता है संजीव अब पहले जितना यार डरते थे हम पंगा लेने के लिए अब बिल्कुल नहीं डर रहा है बिल्कुल खुल के यहाँ पे एक एक प्लेयर एक एक जगह पे उतरता है एंड मर भी जाए तब भी यहाँ पे आवाज निकलती है भाई रिवाइव कर दे यार <laughs> बहुत ज्यादा गाइस बट यार कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम है वो यहाँ पे टूर्नामेंट में नहीं होने वाला है तो संजीव जितना फियरलेसली हम रैंक मैच में अब खेल रहे उतना ज्यादा फियरलेसली इसलिए यहां पर अगर खेलते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलने पड़ेंगे जी फिर से रिवाइव टूर्नामेंट में बिल्कुल नहीं होने वाले किस प्रकार से यहां यार नुकसान झेलते एक बार किसी प्लेयर को टाटा बाय कर दिया तो यार सीधा नेक्स्ट मैच में ही हमें दिखेगा बस देखना पड़ेगा यहाँ पे कितनी सारी टीम हेल्दी रहती है सर्कल के अंत तक बिकॉज संजीव बहुत बार हम यही देखते कोई टीम यार अच्छा खासा फायर पावर अपना दिखाती है दस के आसपास यहां पे किल भी करती है बट यार लास्ट तक पहुंचने पहुंचते तक यार कहीं ना कहीं दो से तीन टीम दो से तीन प्लेयर खो दिए जाते

सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव पॉइंट निकालने होंगे अगर आपको टॉप फोर के अंदर क्वालिफाई होकर जाना है तो गाइड फिर से एक और बार बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया तो जल्दी से लाइक की शेयर करके अपने फ्रेंड्स को यहां पर बुलाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा फिलहाल यहां पर बात करना चाहिए आपके कमेंट्स जो लगातार यहां पर आ रहे आने कहेंगे टीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा टोटल गेमिंग के लिए लगाया जा रहा हैशटैग सोल हैशेग मार्टिन यहाँ पर लगाया जा रहा है तो कहने की मार्टिन के लिए पूरे के पूरे हैशटैग यहाँ पर लगाया जा रहा है उसके साथ टीजी यहाँ पर लगाया जा रहा है मार्टिन किस प्रकार की तबाही यहां पर मचा पाएंगे क्या टोटल गेमिंग यहाँ पर एक असरदार गेम प्ले दिखा पाएगी वो भी यहाँ पर कहने की देखना पड़ेगा बट पहले गेम से क्या आपकी उम्मीदें होने वाले प्रसाद जी बिल्कुल उम्मीद तो यही होने वाली कि कोई ना कोई टीम यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ खड़ा करके रखे ताकि कोई टीम इनको बाद में चेस नहीं करेगी यार आज देखना चाहता हूं मैं संजीव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम की तरफ से 70 टू 80 पॉइंट्स बट आज यहां पे बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा मैं कोई टीम ऐसी निकल के आए जो कंसिस्टेंसी गेम प्ले दिखा कि सेंचुरी क्रॉस कर पाए बिकॉज थोड़ी दिन पहले हम जो टूर्नामेंट कास्ट कर रहे थे संजीव ऑलमोस्ट रोज कोई ना कोई सेंचुरी क्रॉस कर रहा था बट आजकल यहाँ पे यार रश कम सर्वाइवल ज्यादा नजर आ रहा है किल पॉइंट कम प्लेसमेंट पॉइंट के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है बट आज यार एक्सपेक्टेशन मेरा यही है कि कोई टीम आके यार सेंचुरी मार दे मजा आ जाएगा बिल्कुल भैया दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा आपको किल पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे सरफाइव पॉइंट भी यहाँ पर निकालने पड़ेंगे ऑलमोस्ट हम लोग हमेशा देखते टीम्स को छह मैचेस के बाद जिस भी टीम के बाद तीस से चालीस प्लेसमेंट पॉइंट होते हैं तीस से पैंतीस किल पॉइंट होते हैं वो यहाँ से इजिली क्वालिफाई होकर चली जाती है तो आपको किल पॉइंट के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा एंड प्लेसमेंट पॉइंट भी आपको इक्वली निकालने पड़ेंगे देखा जाए अगर आप लोग तीस से ऊपर किल निकाले तो आपके पास पैंतीस के आसपास प्लेसमेंट पॉइंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो यहां पर आपको दोनों ही अंदाज में खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो पॉइंट टेबल है वो यही कहता है कि यार फर्स्ट पोजीशन को मिलेंगे बारह प्लेसमेंट पॉइंट सेकंड को नाइन फिर थर्ड एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे करके मिलेगा तो कहे ना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखा है यार फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन के बीच में जो प्लेसमेंट पॉइंट का डिफरेंस है वो तीन पॉइंट का होने वाला यानी कि यार तीन पॉइंट आपको एक्स्ट्रा निकालने के लिए तीन किल करनी पड़ती है तो यार और इससे अच्छा कि भूया के लिए थोड़ी सी मेहनत करो ट्राई करो लास्ट में यार एक गलती कभी मत करना सेकंड लास्ट सर्कल बन चुका है ना तो कभी आगे मत बढ़ना किसी टीम के ऊपर रश करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी अनलेस यार जब तक आपको ऐसा लगे कि यार लास्ट ऑप्शन यही है ये कि आप रश करना पड़ेगा तो ही उस टीम के ऊपर रश करना नहीं तो यार ट्राई करो अपने आप को बचा कर रखो एंड दूसरी टीम्स को लड़ने दो क्योंकि बुआया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बारह प्लेसमेंट पॉइंट आपको बहुत ज्यादा मायने रखने वाले एंड फिलहाल हमारा प्लेन पाथ अगर बात करें तो सेंटर ऑफ द मैप से जाएगा यहाँ पर टीम्स को दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होने वाली बट मिल के ऊपर टोटल गेमिंग वर्सेज यहाँ पर आई थिंक यार एक और दो टीम्स की फाइट यहां पर कैन के होने वाले बट फिलहाल अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ेंगे प्रो नेशन पी के ऊपर उतरती हुई हमको नजर आएगी टी एस जी वर्सेस क्या यहां पर आई थिंक हैप्पी प्रिंस हो सकता है बट फिलहाल देखना पड़ेगा हैप्पी प्रिंस क्या यहां पर आगे की तरफ बढ़ेगी बट टोटल गेमिंग लगातार यहां पर आई थिंक स्टोर कशर के ऊपर लगातार मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगे डिलीट को यहाँ पर समझना पड़ेगा बट कहने के उनको नॉक कर देगा क्या वो यहाँ पर अपने आपको बचा पाएंगे पाले लगातार ट्राई करते हुए एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकालेंगे वैभव को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही साथ डिलीट यहाँ पर खतम हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था अपनी टीम के लिए बट यहां पर जो प्लेयर राजपूत है वो यहां से भागने का ट्राई करें बट आई थिंक शायद से उनको भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एंड फौज लगातार खत्म करेंगे और देखते देखते टोटल गेमिंग क्या उस लास्ट बचे हुए प्लेयर का खात्मा कर पाया गया चारों प्लेयर्स आई थिंक व्हाइट इंडिया पैन के यहां पर लगातार आगे एक अच्छा खासा डैमेज जो है वो लैंड माइन से पड़ चुका है बट फिलहाल फौज ही अजय लगातार आगे जाएंगे एंड पूरी की पूरी टीम सेम गेटअप यहां पर लेकर आए बट राजपूत आई थिंक यार एक किल उठाकर पूरा का पूरा सरवाइव करने का ट्राई करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माइंड गेमर को भी पनिशमेंट यहां पर दे दी गई सेफली आगे बढ़ना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा यार कैसे ये लोग लगातार यहां पर बढ़ेंगे मुश्किलें किसके ऊपर लगातार यहां पर बढ़ने वाले बट बढ़ फिलहाल अगर बात कर ली तो कहीं ना कहीं हरे टीम थोड़ा सा मुसीबत पर पड़ेगी बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एस एस जी लगातार मचाते हुए थिंक यार एस के सबीर गेमिंग यार ये चारों प्लेयर्स पहला के अपने नाम के लिए एंड सेफली यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे जी बिल्कुल यहाँ पे एस की बात की जाए तो यार शरीफ सुप्रीम समीर एंड यहाँ पे इमर होने वाले लूट की कमी यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है किसी के पास गन है किसी के पास नहीं है तो कहीं ना कहीं गन शेयर करने की कोशिश की जा रही है बट बात की जाए यहाँ पे सामने वाले प्लेयर की तो वन टू एच के साथ साथ यहाँ पे कैसे बच के निकलेंगे ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे टेन एचपी तो जरूर होने वाले हैं क्रेजी गेमर की तरफ से एक और सुपर सुपरचैट आता हुआ जी गाइज आपका सपोर्ट यहाँ पर सुपर चैट के थ्रू नजर आ रहा है बिल्कुल आपको हैशटैग भी लगाना है आपको सपोर्ट भी करना है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पे जरूर

यहाँ पर सोलो सर्वाइविंग करते हुए नजर आ रही है एक टीम यहाँ पे बिल्कुल डुओस में नजर आएगी जहाँ बात की जाए यहाँ पे हैप्पी प्रिंस गेमिंग की तो वो कहीं ना कहीं यार क्लॉक टावर के एरिया के आसपास जरूर होने वाले बट यार स्प्रेड आउट होके खेल रहे हैं एंड गाइज एक कमाल का एंगल हमें पता चल रहा है टीएजे बिल्कुल यहां पे चेस कर रही है हाँ प्रिंस हाँ प्रिंस गेमिंग अपने कदम बढ़ा रहा है की देखना पड़ेगा सबसे पहला कहर कौन सी टीम यहाँ पे कब तक ढूंढ लेंगे वो भी एक सवाल होने वाले बी पे एस होने वाली है दो बंदे यहाँ पे आगे जा चुके हैं वो होने वाले यहां पे विवेक देखना पड़ेगा कितने नॉक ये निकाल पाते फाइनली डबल विक्टर के साथ एक कंफर्म जरूर कर डबल वेक्टर यहां पे विवेक की कह रही है आगे यहां पे हैप्पी प्रिंस गेमिंग का प्लेयर यहां पे बचकर निकलने वाले देखना पड़ेगा कब तक उनको ढूंढा जाता है फाइनली अगर इस प्लेयर को भी खत्म कर दे तो गाइज आपको बता दे यहां पे बहुत ही दूर एक और प्लेयर होने वाले तो एक उम्मीद की किरण अभी भी यहां पे हैप्पी प्रिंस गेमिंग के लिए बाकी है गाइस पे यार किल किल, आ तो किल तो जरूर है हर एक टीम के खाते में बट वो सिर्फ तीन किल आ रहा है कहीं ना कहीं दो से तीन टीम के सोलो सर्वाइवर यहां से भाग के निकलने वाले हैं हैप्पी प्रिंस गेमिंग के सोलो सर्वाइवर अब यहां पे यार क्या रोटेशन लेंगे वो भी देखा जाएगा बट बात की जाए यहां पे टोटल गेमिंग की तो एक टीम यहां इनसे मिलने जरूर आ चुकी है आइकॉनिक की बात की जाए तो वो यहाँ पे बिल्कुल सामने होने वाले देखना पड़ेगा टोटल गेमिंग के ऊपर जो अपना कह है वो किस

जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना फिलहाल अगर बात कर लो तो फौजी अजय अभी भी ऊपर ही छुप कर बैठे फिलहाल देखना पड़ेगा क्या वो प्लेयर वहां से निकल पाएंगे क्या वो चकमा दे पाएंगे सामने टीम को ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा बट अजय लगातार यहाँ अगर नौ रोनी ने के आगे जाना चाहेंगे तो उनको यहाँ पर स्पॉट कर ले जाएंगे आई थिंक शायद से फौजी अजय यहाँ पर नॉक हो जाएंगे जी हाँ यहाँ पर उनको नॉक कर देने एक और किल अपने खाते में उतार लेंगे देखना पड़ेगा टोटल गेमिंग के पास कितने प्लेयर्स बचे रहेंगे आई थिंक शायद से लौते प्लेयर यहां पर बचे रहने वाले माफिया लगातार आगे बढ़ेंगे फिलहाल देखना पड़ेगा किस प्रकार से ये टीम चाहे वह लगातार आगे बढ़ी गई है देखा जाए तो प्लेयर बचे हैं बट तीन किल्स ऑलरेडी अपने खाते में तो लेकिन पहला मैच है तो सेफली आगे बढ़ना पड़ेगा बट कहीं ना कहीं घायल तो कर दिया पूरी की पूरी टीम को यहां पर संभलना भी पड़ेगा क्योंकि चारों प्लेयर दो तो किल्स उनके पास आ चुके हैं अच्छे खासे वेपन आ चुके हैं अच्छी खासी लूट उनके पास आ चुके हैं सर्कल में जाने की पूरी पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही होंगी तो यार मिस्टर जीरो फाइव कैसे यहां पर लगातार आगे बढ़ेंगे टीम ए कहां पर रहने वाले तो गाय टीम इलिट को भी अभी थोड़ी देर में दिखाया जाएगा फिलहाल यहां पर टीम इलिट आज की तरह टीम इलिट के ऊपर उतरती है के ऊपर वेंडिंग मशीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जहां पर पहाड़ी डबल स्नाइपर निकाल कर देते हैं अपने जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं लगातार टोकन को कलेक्ट करते हैं यहाँ पर जैसी स्नाइपर मिलती है वैसी यहां पर तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है बट कहने की जॉन्टी जो है वो फिलहाल लूट करेंगे मैक्स मैक्सवन एंड एक यहाँ पर उनके पास निकल कर आ जाएगी साथ ही साथ आइकॉनिक यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल वी एंड एम टेन जो है वो अपने पास लेकर चलने वाले हैं। देखना पड़ेगा है क्या वो यहाँ पर वेंडिंग मशीन से शॉपिंग करने वाले हैं या फिर नहीं करेंगे बट पहाड़ी के पास एक एडब्ल्यू एम प्लस एक एम ए टू भी आ चुका है एक और एम ए टू भी रहेगी तो शायद से यहाँ पर बहुत अच्छे नॉक भी निकालेंगे ना आगे भी लगातार ये टीम जो है वो बढ़ने वाली है जी बिल्कुल टीम इनिट की बात की जाए तो केपटाउन के ऊपर यहाँ पे लूट कर रुके तो वेंडिंग मशीन भी एक केपटाउन के ऊपर होती है तो लूट तो लूट की है शॉपिंग भी किया है येलो बॉक्सेस भी होते तो वहीं से भी यहाँ पे लूट करने की कोशिश की टीम इनिट के पास रिसोर्सेस बहुत तगड़े होने वाले बट यार एक टीम के ऊपर फिर से हम नजर डालेंगे एस की बात की जाए तो तीन किल्स इनके खाते में जरूर थे बट चौथे प्लेयर का चेस करते 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 रिमनाम विलेज से अपना सफर जो है वो ऑब्जर्वेटरी तक तय जरूर किया एक प्लेयर को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है बट कहना कि इमरोज you

एंड यहाँ पे स्टार होने वाले ऋतिक स्टार की बात की जाए तो यार उनके पास भी अच्छे खासे वेपन होने वाले बट कहीं ना कहीं एक फाइट में इन्वॉल्व जरूर होना होगा टीम इलिट बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाएगी जी अगर वर्सेज टीम इलेट यहाँ पे फाइट में इन्वॉल्व हो जाएगी बट यार कहीं ना कहीं वे जो एडवांटेज है संजीव वो टीम इनके पास अच्छा खासा होने वाला है सर्कल उनके पास है गेट कीपिंग वो तगड़ी कर सकते हैं एंड फ्लैंक लेने की कोशिश भी की जाए तो सिर्फ एक बंदा यहाँ पे फ्लैंक ले सकता है बिल्कुल देखना पड़ेगा बट आइकॉनिक लगातार आगे बढ़े पहाड़ी यहाँ पर पीछे हटते हो कहने की गोलिया उनके चलाई जाए लगातार उनको पर अपने आप को बचाना पड़ेगा यहां पर फिलहाल देखा देख रहे तो टीम इन वर्सेस टीम मिलिट यहाँ पर होने वाले गाइस क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर बचकर निकल पाएगी किलर लगातार अपने आप को बचाने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे ऊपर जस्ट उनके यहाँ पर प्लेयर रहेंगे बट कहने की क्लियर के लिए मुसीबत है वो किसी भी वक्त बढ़ तो सकती है बट फिलहाल वो सेफली जो है वो कॉर्नर में रहने वाले एंड ऋतिक स्टार लगातार यहाँ पर आगे बढ़ेंगे पूरी की पूरी टीम जो है यहाँ से बैक स्टेप लेने का पूरा पूरा ट्राई यहाँ पर कहने के किया जाएगा बट यहाँ पर देखना पड़ेगा टीम हिंद कैसे यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेंगे बहुत बड़ा सवाल यही रहेगा फट फिलहाल यहाँ पर सेफली हर एक टीम जो, करना टीम जो वो लिया है वो सर्वाइव करना चाहता है है वो बैक स्टेप लिया एंड टीम लीड क्या इनको आगे बढ़ने देगी या फिर नहीं बढ़ने देने वाले वो भी यहां पर देखा जाएगा सर्वाइव करते हैं एंड शिंग के अंदर ये टीम जो है वो लूट करते हुए हमको नजर आ जाएंगी तो यहाँ पर देखना पड़ेगा सीन आर्मी कब तक आगे बढ़ने वाले क्योंकि यार कुछ टीम्स पहले से ही सेंटर कवर अप करके बैठ चुके हैं अगर देखा जाए तो यहां पर एक के बाद एक टीम जो है लगातार आगे बढ़ेगी प्रोनिशन टी एच हार्ड एंड देखा है तो एलवीएल आइकॉनिक यहां पर हमको नजर आ जाएगी और साथ ही साथ सर्वाइवर सर्वाइव कहीं कही। राजपूत भी एक लौटे बच्चे की उनको भी यहां पर सर्वाइव करना पड़ेगा बट कहीं ना कहीं आदमी लगातार आगे बढ़ते हो हंगर का ये एरिया छोड़ दिया गया यहाँ से कटोल के लिए जो रोड है यार वो पार कर दिया गया अब यहाँ पर कटोल में एंट्री ली जाएगी यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते कहीं, कहीं जॉन्टी ने एक शिकार कर लिया है थर्टी फाइव प्लेयर्स गाइस यहाँ पर बचे हुए रहेंगे क्या लगता है भूजा निकाल के पाई क्या वो आपकी फेवरेट टीम होगी यार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आपको यार बैलाइकन कॉल पर सेट जरूर कर लेना फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पहाड़ी लगातार तो आगे बढ़ेंगे डबल है है एंड एंड कितने अच्छे वो पुरी पुरी वो कनेक्ट करेंगे पूरी पूरी की जो पर पहाड़ी के ऊपर बनी रहने वाले बट कहीं ना कहीं आपके जितने भी कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो गायको एक से बढ़िया एक कमेंट यहाँ पर करना आपकी टीम्स के लिए जो आप शायरी लिख सकते हो ना शायरी अंदाज में जितने भी आपके कमेंट्स यहाँ पर आएंगे उनको हम लोग यहाँ पर रीड आउट भी करेंगे बट फिलहाल अगर ड्रोन व्यू की मदद से देखा जाए तो यहाँ पर हमारी सर्वाइवर फोरियम प्रो नेशन एंड एलवीएल आइकॉनिक प्लांटेशन पे एंड यहाँ पर गैरेज हुआ है गोल्डन वहाँ पर बैठे रहेंगे प्रो ने चट्टान का कवर एंड यार थोड़ा सा कवर अपने लिए बनाकर तो रखो बट कितनी देर तक यहाँ पर संभल कर रह पाएंगे क्योंकि पाकिटिंग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे वो भी यहाँ पर एक ही प्रेशर डालेंगे कि यार हमें भी अंदर एंट्री लेने के लिए मिल जाए बट यहां पर कौन सी टीम रोक पाएगी कौन सी टीम नहीं रोक पाएगी वो भी यहाँ पर देखा जाएगा जी बिल्कुल गाइस ड्रोन व्यू की मदद से हमें पता चल चुका है कौन सी टीम किसके सामने है बट बात की जाए सर्वाइवर्स की तो उनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज होने वाला है किल्स उठाने का अगर लॉन्ग रेंज फाइट वो पिक करते तो अच्छे खासे किल्स यही मौका है उठाने के देखना पड़ेगा यहाँ पे एस की बात की जाए तो वो बहुत ही लंबा रोटेशन लेके पीक के ऊपर जाने की कोशिश करने की पीक के ऊपर जाने की कोशिश करे बट गाइज सबसे पहले यार उनको पीक की तरफ जाने से पहले पंगा लेना होगा सर्वाइवर्स के साथ पंगा लेना होगा आइकॉनिक के साथ तभी यहां पे आगे बढ़ सकते हैं अनसासीनामी आज चेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं जी अगर बात की जाए आर्मी के इजेक्शन पॉइंट की तो उतरते हमेशा पीक के ऊपर एंड फिर यहां पे पंगे लेते बट इस बार यहां पे स्ट्रेटजीज में बदला तो उनका फायदा जरूर उनको होने वाला है जहां अगर सभी से दूर होने वाले सभी खतरों से बिल्कुल आर्मी दूर होने वाली सर्कल के बॉर्डर पे खेल रहे यानी किसी भी फाइट में इन्वॉल्व होने का कोई भी चांस नहीं बट एस की बात की जाए तो देखना पड़ेगा तीन किल्स खाते में तीनों के तीनों किल्स यहाँ पे इमरज की तरफ से आए बात की जाए यहाँ पे इनके सामने बिल्कुल एक पहाड़ होने वाला है सर्वाइवर्स का एंड देखना पड़ेगा

यहाँ पे बिल्कुल इनको रिवाइव देना होगा बिल्कुल यहां पे गोल्डन तब तक एक किल अपने खाते में जरूर जोड़ लेंगे बट हर्ष एंड एलेक्स एन एलिक्स रिवाइव होते हैं वो एक सवाल जरूर होने वाला है फाइनली एक प्लेयर को यहां पे रिवाइव करने की कोशिश कीजिए हर्ष यहाँ पे फिर से एक बार हिलप हो जाएंगे एक कमाल का कम बैक सर्वाइव इसकी तरफ से नजर आ रहा है दो प्लेय नॉक थे दोनों को रिवाइव भी दिया है एक किल अपने खाते में भी जोड़ा है इसकी यहाँ पे यार बिल्कुल गोल्डन की तरफ से अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है एंड अब यहाँ पे हर स्वभाव उसको पीछे हटना होगा बट कहीं ना कहीं टीए जी का कहर उनके ऊपर बिल्कुल बरसने वाला एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया होगा टीएची का खाता और भी आगे बढ़ेगा एन इनकी तरफ से भी वही स्टोरी लाइन दिख रही है विवेक अकेली की तरफ से यहाँ पे तीन बिल्कुल खाते में आ चुके बट यार एक एक मत आन अभी और भी जोड़ देंगे और भी आगे छह खेल टीएजी का खाता यहाँ पे रुकने वाला है नहीं देखना पड़ेगा गाइस पे टीएजी अब एक तूफान बन चुके हैं बट यार कहीं ना कहीं सर्कल इनका फेवर नहीं करने वाला है तो देखना पड़ेगा इस तूफान को सर्कल तक किस प्रकार से लेके जा सकते हैं इसकी चपेट में अब कौन कौन सी टीम आएगी

बिल्कुल फिलहाल अगर बात के लिए तो कहेंगे टीम इलीट लगातार आगे बढ़ेंगे पांच किले पर निकालेगी फिलहाल सर्कल में भी यहाँ पर जाने का रास्ता जो है अपने लिए खोज ले गए एंड खोज नहीं थे बना लिया गया तो फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे लगातार आगे बढ़ते पर है गाइस क्या लगता है यहाँ पर शिवम लगातार आगे बढ़ना चाहिए एक के बाद एक नौम यहाँ पर पर खेल करेंगे बट विवेक एंड विवे पर क्या लगता है नौम यहाँ पर खिलाते प्लेयर अभी बचे रहेंगे क्या वो यहाँ पर रिवाइव दे पाएंगे खुद भी बहुत ही ज्यादा एचपी में रहने टीम इलीट लगातार थर्ड पार्टी पूरा का पूरा किल पर उठाने का फायदा लेना चाहिए सेवन लिया पर अपने खाते में उतार ली गए पर देखा जाए सामने जो टीम है वो बहुत ज्यादा ट्रबल सम सिचुएशन में फंसने वाली क्या वो यहाँ से निकल पाएगी जी नहीं अगर देखा जाए तो कही कहीं ना कहीं पहाड़ी का जो एम है वो लगातार बना के रखा है फिलहाल देखना पड़ेगा टीम नंबर सिक्स हमारी सरवाइवर फोर यहां से बचना इंपॉसिबल होने वाला है क्योंकि लगातार पहाड़ यहां पर गोले चलाएंगे बट उनको भी यहां पर सर्कल में जाना पड़ेगा हमारा जो सर्कल है वो थोड़ा सा मेल की तरफ जाने वाला है यानी कि जो बालकोनी कंपाउंड है वहां पर चला जाएगा फिलहाल देखना पड़ेगा इकोनिक वी एस एस यहां पर क्या चलाएंगे एंड फिलहाल देखना पड़ेगा यार साथ ही साथ जितनी भी टीम्स यहां पर बची हुई है सिर्फ तीन मिनट का गेम प्ले जो है वो बचा हुआ है बट टीम इनके पास एक एडवांटेज है कि चारों के चारों प्लेयर्स यहां पर अलाइव रहने वाले और देखा जाए तो चार टीम्स बची हुई हुए तेरह प्लेयर्स भी अलाइव रहेंगे आइकॉनिक यार ये दोनों टीम्स के चार चार प्लेयर्स अलाइव रहने वाले आई थिंक यार बाकी दोनों टीम्स में कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स है बहुत ही ज्यादा कम ए स्टोन कहते आई थिंक यार राजपूत एक बहुत अच्छा सर्वाइव स्टार्टिंग में इन्होंने अपने तीनों प्लेयर्स को खोया था एंड अभी तक ये प्लेयर सर्वाइव कर रहा था और बहुत अच्छा सर्वाइविंग गेम प्ले कहीं ना कहीं राजपूत की तरफ से हमें नजर आ जाएगा तो यहाँ पर और कितने आगे तक बढ़ पाएंगे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है बट चौटी लगातार गोले चलाएंगे यहाँ पर, का, का पर, 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 पर बचाएंगे देखना पड़ेगा उसके बाद पहाड़ी एक अपने खाते में उतारते पहाड़ी है तो बिल्कुल यहाँ पर मुमकिन गाइस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करते रहना सपोर्ट पूरा का पूरा यहाँ पर बनाए रखना और साथ ही साथ फिलहाल दो प्लेयर्स कहीं नही जा। पर लॉकडाउन रहने वाले बट देखना बढ़ेगा क्या वो यहाँ पर खत्म कर पाएंगे टीम लगातार आगे बढ़ेंगे यहाँ पर शायद मुश्किलें लगातार बढ़ेंगे दो पर बचे रहने वाले क्या वो पॉसिबल कर पाएंगे क्या वो फाइट यहाँ पर निकाल कर जा पाएंगे बट कहीं अपने आपको बचाने के लिए पूरा पूरा संघर्ष यहाँ पर करने वाले लगातार एक के एक बॉल तोड़ जाएगी आइकॉनिक के ऊपर लगातार गोलियां चलाते हुँ। क्या वो यहां से बचकर निकल पाएंगे आई थिंक चाय से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर आने वाले पर क्या होने वाले गैस क्या लगता है ग्यारह किस ऑलरेडी टीम लीड अपने खाते में जाओ उतार चुके टीम इंडिया से क्या वैक्सीन लेकर आगे बढ़ेगा फिलहाल देखना पड़ेगा किलर एंड आइकॉनिक क्या यहाँ पर होने वाले एक एक बाद बॉल

यहां पर करते रहना दोनों प्लेयर्स यार बहुत अच्छा गेम प्ले कहीं कही ना कहीं निकालेगा यहां पर बचे रहेंगे नीचे यहां पर बचे रहने वाले बट बड़ देखना पड़ेगा क्या यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे आई थिंक शायद से मुश्किलें बढ़ जाएंगे बट फाइनली टीम ही देख, बहुत अच्छे ट्राई करते हुए तो सिर्फ एक ही प्लेयर यहां पर बचे रहने वाले बट क्या यहां पर ऋतिक स्टार एंड डीवी कर पाएंगे क्या पॉसिबल हो पाएगा वो यहां पर देखा जाएगा बट कहने के यार टू वी वन यहां पर रहने वाले उनको यहां पर निकालना पड़ेगा होगी यहां पर डीवी के बाद डबल साइ पर रहने वाले नीचे आईवेल एलवीएल आईकॉन के लौते प्लेयर प्रसाद यहां पर बचे हुए हैं जी बिल्कुल मिस्टर जीरो फाइव क्या यहाँ पे यार बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे एंड वन वे टू क्लश कर पाएंगे सवाल तो बहुत सारे फैंस के मन में होने की बात की जाए तो दोनों टीम्स यहां पे बचे हुए रहेंगे पहला मैप है एक तरफ यहाँ पे छह किल होने वाले हैं देखना चाहेंगे हम मिस्टर फाइव के पास ऑलमोस्ट चार से पांच किल थे दोनों के किल्स कहना के बराबर है बट यार आगे बढ़ना होगा तो यार इस एक प्लेयर को जरूर ढूंढना होगा मिस्टर जीरो का अभी तक लोकेशन स्पॉट नहीं हुआ एंड दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे

अपने टीम के नाम यहां पर कर जाएंगे पहला बुया जिया यहां पे अपने नाम करके रखा संजीव नीचे के के जो जो प्लेयर थे यार यार हाइट का वो डाउन साइड है यार उसकी तरफ होने के बावजूद यहां पे एक अच्छा खासा गेम प्ले किया वहां पे सोलो सर्वाइविंग की सभी से बचकर रहा बट एक प्लेयर की मैं बिल्कुल दाद देना चाहूंगा यहाँ पे ग्रेनेड जो थ्रो किए ने यार संजीव इतनी ज्यादा ग्रेनेड की बरसात करके भी पांच ग्रेनेड उनके पास बाकी थे आई थिंक अगर किलर वहां पर बच जाता ना किसी भी प्रकार से उनको खबर मिल जाता तो शायद से मौका नहीं दीजिए टीम यही भूया अपने पर अपने नाम यहाँ पर करके चली जाती है बट कहने टीम इंडिया एक बहुत अच्छा गेम प्ले जो है वो यहाँ पर निकाला गया बट फिलहाल यहाँ पर बाकी टीम्स को आगे बढ़ना पड़ेगा टीम लीड आई थिंक यार सबसे ज्यादा पॉइंट्स उनके पास निकल कर आ पाएंगे क्योंकि यार तेरह से चौदह किल पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लेते हैं प्लेसमेंट पॉइंट पर थर्ड और फोर्थ आएंगे तो कहने के हमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी प्लस का जो स्कोर है वो कहने का टीम इलीट की तरफ से नजर आ जाएगा तो देखना पड़ेगा टीम इलीट क्या फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रहने वाले बट कहने के हमारा अगला जो मैच यहाँ पर होने वाला वो परगेटरी मैप रहेगा परगेटरी मैप में कौन सी टीम कहां पर उतरेगी बट टीम इलीट सेफली आई थिंक स्की लॉज की तरफ जाना पसंद करती है और साथ ही साथ टीम हिंद कहां पर जाने वाले हैं देखना पड़ेगा टोटल गेमिंग क्या क्रॉस रोड के ऊपर जाएगी हरे टीम के ऊपर जो हमारी नजरें हैं वो लगातार यहां पर बनी रहने वाले बड़े आर्मी बहुत अच्छा सर्वाइव करेगी कैसे वो यहां पर आगे बढ़ेगी हर एक टीम को हम यहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे जी बिल्कुल आर्मी की की बात जाए तो कम उनकी तरफ से यहाँ पे एक्सपेक्टेड होने वाला है जी के इस मैप में बहुत अच्छा खेलती है बहुत अच्छे लेना चाहती है बट यार इजेक्शन पॉइंट इस बार यहां पे संजीव उन्होंने चेंज किया था तो यार में कितने ज्यादा बदलाव उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में किए वो देखना पड़ेगा क्या फोज की तरफ ही रहेगी या ब्राजीलिया पे उतरेगी या सेंट्रल पे जाएगी यार क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी वो यहां पे लेने वाली

बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा फिलहाल जो कमेंट्स यहाँ पर कहने के आ रहे तो यार बेस्ट नाइफर ऑफ इंडिया इज यार पहाड़ी के लिए जो हैशटैग है वो लगाए जा रहे तो गाइस आपको ऐसे ही हैशटैग टैग यहाँ पर लगाते रहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सेट यहाँ पर कर लेना क्योंकि यार आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर खेलती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचेगा ना आप लोग भी सपोर्ट करने के लिए बहुत ही जल्दी आप अगर टीम सोल की बात करें तो क्वेरी के ऊपर उतरेंगे उनके साथ सर्वाइवर फोर या मार्बल वक्स के ऊपर कहने के हमको नजर आ जाएगी टीम में लगातार बजीरिया की तरफ जाएंगे देखे तो के सबीर गेमिंग है फिलहाल सेंट्रल के पीछे यहाँ पर उतरे गए सैसीन आदमी सेंट्रल के ऊपर नजर तो हमको आज आ बट यहाँ पर देखना पड़ेगा हैप्पी प्रिंस गेमिंग वर्सेस स्टोन क्रशर कैसे यहाँ पर हैंडल कर पाएंगे फोर्स के ऊपर जाने वाली प्रो निशन एक और टीम यहाँ पर तीन टीम कहीं ना कहीं यार जंग जो है वो छेड़ चुके हैं कौन सी टीम सबसे पहले कदम जो है वो जमीन पर रखने वाले कौन सी टीम यार गोलियां लगातार चलाना चाहेंगे देखना पड़ेगा बट कहने का पर कर आइकॉनिक लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमको नजर आ जाएंगे जी पर देखना पड़ेगा पहाड़ी एक के बाद एक स्टेप लेते हुए बट देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा किस प्रकार से यार क्या वो यहां पर किसी टीम को पकड़ पाएंगे क्या आगे फोर्स की तरफ जाएंगे अगर इनको पता है कि यार हमारे राइट साइड में दो से तीन टीम होती है तो जरूर यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए जाएंगे इस मौके का फायदा बिल्कुल भी गवाएंगे नहीं तो देखा जाएगा जॉन्टी लगातार आगे बढ़ते उनके हाथों तो में आज के बड़े अच्छे वेपन उनको यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे एंड देखा जाता तो है वेस्ट हेलमेट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी यहाँ पर रहने वाला और देखते ही देखते यहाँ पर लगातार आइकॉनिक कैसे कैसे अपने मिल चुके एमपी फाइव क्या यहाँ पर मैक्स सेवन उठाना चाहेंगे तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा यार मैक्स सेवन बहुत ही अच्छी वेपन यहाँ पर रहने वाले एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी अपडेट के बाद एक्यूरेसी जब आप एक बार यार मैक सेवन चला कर देखना है। चलाते थे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यार मैक्स सेवन अच्छी है या नहीं है बट फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे स्टोन क्रशर डीको लगातार आगे बढ़ते हैं यहाँ पर राजपूत स्लेयर एंड फैब लगातार सर्वाइव करेंगे जी यहाँ यहाँ पर देखना पड़ेगा चारों प्लेयर्स पिछली बार राजपूत का जो यहाँ पर सर्वाइव था बहुत अच्छा गाड़ा था अपने टीम के लिए प्लेसमेंट पॉइंट बचा कर लेकर गए एंड एक किल भी थी और एक किल पॉइंट उनके पास जरूर नजर आ जाएगी कहने की कोई झटका नहीं लगा अभी इन मैचेस में उन्हें और भी अच्छे निकालने पड़ेंगे तो लगातार आगे बढ़ेगी विवेक शिवम मन अभी यहां पर ब्राजीलिया जो है वो मिडिल साइड लूटते हुए नजर आ जाएंगे शिवम यहां पर कितने लूट कर पाएंगे फिलहाल एमपी फोरटीन उनके पास है देखा जाता है तो अच्छे बट यार कोई भी घर ये लोग जो है वो छोड़ना नहीं चाहते जल्दी से जल्दी पर लूट करेंगे जैसी पहला सर्कल यहाँ पर बन जाएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे एंड सर्कल का सेंटर अपने नाम कर लिया जाएगा जी बिल्कुल गाइस बात की जाए यहाँ पे तो यार एजाज बिल्कुल आके जाएंगे देखना पड़ेगा इनके पास यहाँ पे लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों होने वाले कौन सी टीम इनसे पे मुकाबला करती है वो भी देखा जाएगा सामने बढ़ेंगे एंड हैप्पी प्रिंस गेमिंग के चारों के एरिया होने वाला यहाँ पे फौज का और सबसे पहले देखने वाली बात होगी कौन सी टीम स्कीौज से होते हुए यहाँ पर आएगी कौन सी टीम यहाँ पे नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेगी बट यार अर्ली फाइट में कोई भी टीम फंसेगी तो यार अच्छी खासी उनके पास रहने वाली देखना पड़ेगा क्या पिछली बार की तरह यहाँ पे होती है पिछली बार पहले मैप में जब भी हमने देखा था चार से पांच टीम ने अर्ली फाइट ली बट कोई भी टीम यहाँ पे किसी भी टीम को अर्ली फाइट में पूरी की पूरी एलिमिनेट नहीं कर पाई सोलो या तो डुओ बचकर निकले थे देखना पड़ेगा अब क्या वही स्टोरी लाइन इस मैप में भी दोहराई जाती है बिकॉज फोर्टी 8 के 48 प्लेयर अभी भी अलाइव है। दूर होने वाले अपनी टीम के साथ यहाँ पे यूनाइट होना होगा बाद में यहां पर पंगा लेना होगा स्प्रेड आउट होकर खेलनाट्री के, खेलना के। इस मैप में इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है ओपन में कोई भी टीम आपको ढूंढ सकती है कोई भी आपको यहाँ पर

डेल कपर फाइट जो है वो अभी स्टार्ट नहीं है वो टोटल गेमिंग यहाँ पर आई थिंक यार क्रॉस रोड को जो है वो लूट लिया गया फिलहाल अच्छे वेपन्स वेप से डिलीट लगाते पहले गेम के अंदर स्टार्टिंग में उनको एलिमिनेट किया गया था और साथ साथ टोटल रैंकिंग यहाँ पर आ चुकी है टीम मिली ट्वेंटी वन पॉइंट उनके पास रहेंगे तेरह किल पॉइंट गाइस इस यहाँ पर निकाले गए थे टीम इन सेकंड पोजीशन पर रहने वाले ट्वेंटी पॉइंट्स उनके पास भी रहेंगे सिर्फ दो पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर रहने वाले तो टीम इन एक बहुत अच्छा गेम प्लेयर टीम लीट यार किल के मामले में इस टीम के यार कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है उसके बाद हमारी आइकॉनिक यहां पर आ जाती है टोटल फोर्टीन पॉइंट उनके पास कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे टी एस जार्ड एक बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए बट कहने के नाइन पॉइंट्स उनके पास सेंगे तो यार? तीन ही टीम्स है जो टेन प्लस पॉइंट यहां पर लेकर तो अच्छा पड़ेगा जी बिल्कुल टीम मिले ट्वेंटी वन टीम, हिंद यहां पे कम बैक करना चाहिए अब टी ने नौ पॉइंट उनके पास है डिफरेंस बहुत ज्यादा तगड़ा है स्टोन क्रशर की बात की जाए तो आठ पॉइंट उनके पास भी है सात की, की जाए तो आठ पॉइंट उनके पास भी है अगर टॉप में जाना है टॉप फोर में अपनी जगह बनानी है तो यार छह से सात पॉइंट का वो जो डिफरेंस है वो सबसे पहले तय करना पड़ेगा अच्छे खासे यहां पे उठा के फिर टॉप फोर में एंट्री करनी पड़ेगी जी गाइज अगर या तो स्टोन क्रशर से यहां पे तो स्टोन पे समझो क्रशर है टीएस की तरफ से कोई भी टॉप फोर में एंट्री करता है गाइस तो उनको यहाँ पे एक और चैलेंज होने वाला है आगे जाके अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पे अपने ही पास रखने का कंसिस्टेंसी दिखाने का देखना पड़ेगा यार क्या कुछ टेबल टर्न्स होते हैं इस मैप के बाद फाइनली टॉप टीम गाइस टीम है

आगे बढ़ रहा है तो यानी कि यूनिटी भी होने वाली कोई भी टीम अगर पंगा लेगी गाइस तो उनको अच्छा खासा यहां पे यार फायर पावर दिखा सकते हैं

की यहां पे संभावना नजर आने वाली है वो भी गाइस दो बहुत ही बेहतरीन टीम की टीम एलिड वर्सेस यहां पे होने वाली है जिया हाँ गाइस एक और टीम वो होने वाली यहाँ पे आइकॉनिक देखना पड़ेगा टी मिनट वर्सेस आइकॉनिक किस प्रकार से अब ये गेम ले जाता है क्या पंगा क्या पे लॉन्ग रेंज रेंज मिड फाइट होगा या फिर यहाँ पे रश करके शॉर्ट रेंज फाइट में तब्दील किया जाएगा पहाड़ी के पास यहाँ पे एक स्नाइपर जरूर होने वाली देखना पड़ेगा पहाड़ी के तो कितने प्लेयर्स होना पर धाराशाही किए जाते हैं बिल्कुल एक सरप्राइज यहाँ पे मिल चुका होगा जॉन्ट ही यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज होंगे किलर फिर से एक बार पीछे जाएंगे दीवारों के अंदर से यहाँ पे यार खिड़की से एंगल लेके फाइट लेने की कोशिश करके पहाड़ी फिर से एक बार एक माल का डैमेज देने की कोशिश करेंगे एंड एक प्लेयर यहाँ पर नॉक कर दिया गया देखना पड़ेगा यहाँ पे कहना अवेलेबल सिचुएशन टीम मिनट के लिए होने वाली जंगा 887 के साथ आइकॉनिक यहां पे कैरड आते हुए नजर आ रहे हैं संजीव मुझे लगता है इस फाइट में ये जो जीत कर रहा है यार इनका कमाल का कोऑर्डिनेशन चार किल्स खाते में एक प्लेयर को भी खोया नहीं लगभग तीन से चार सेकंड में फाइट खत्म भी हो चुकी है बिल्कुल गाइस बहुत अच्छा गेम लेकिन टीम लीड यहाँ पर निकाले की इन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा क्योंकि यार आपको आज बहुत कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलेगा क्योंकि टीम लीड आपके सामने यहाँ पर रह गया टीम लीड कैसा गेम प्ले पर निकालती है आपको हर एक जो बात है वो यहाँ पर पता चल पाई है टीम में कौन कौन से प्लेयर्स कैसा खेलते कैसा रोल यहाँ पर प्रेफर किया जाता है हर एक प्लेयर की तरफ से तो देखा जाए तो यहाँ पर स्नाइपर प्लेयर आपकी टीम में होना बहुत ही mm. ज्यादा जरूरी रहता है और साथ ही साथ यहां पर यार आपको एआर वेपन बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए यानी कि यार मिड रेंज के अंदर अगर आपको कोई भी प्लेयर दिख रहा है तो आपको यार जल्दी से जल्दी नॉक निकालना पड़ेगा ड्रैग यहाँ पर जल्दी जल्दी कनेक्ट करना पड़ेगा मैं अक्सर यहाँ पर बोलता हूँ अगर आपकी गेम की सेंसिटिविटी 100 पर नहीं है तो यार उसको 100 पर कर खेल को 100 पर करके खेलना आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड आप लोग इजिली हेड भी यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है जिनकी एक यार डिमांड रहती है यार हम लोग कैसे हेडशॉट कनेक्ट करें यार बाकी प्लेयर्स बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यार, कैसे सिंपल सा फंड है बोलूंगा आपको यार छाती के ऊपर गोलियां नहीं चलानी है एंड ट्राई करना आपका जो एम रहता है ना उसको थोड़ा सा ऊपर करके रखो यार मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा अगर आप गर्दन के ऊपर एम करते हो तो गर्दन से आप अगर आपका एम गर्दन के ऊपर कोई भी प्लेयर कहीं भी भाग रहा है फिर सामने आपके कोई प्लेयर खड़ा हुआ है गर्दन के ऊपर अगर आपने एम करके रखा हुआ है तो आप इजीली ट्राई करोगे तो हेडशॉट आप लोग कनेक्ट कर पाओगे बहुत ही सिंपल सा है थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको यहां पर करने पड़ेगी और साथ ही साथ अगर आपको बहुत सारी बातें मेरे साथ जाननी है तो आपको यार जल्दी से जल्दी शेयर करना स्ट्रीम को अपने फ्रेंड्स को यहां पर बुलाकर लाइए जिससे उनको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी आपकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉग बन पाएगी आप लोगों को कैसी टेक्निक्स यहां पर गेम प्ले में अप्लाई करने वो भी आज आप लोग यहां से सीख कर चले जाओगे जी बिल्कुल और बात की जाए तो एक कमाल का व्यू हमें नजर आ रहा है इसकी मदद मतलब से यहाँ पे यार पता चलेगा कौन सी टीम कहा होने वाले राइट साइड टीम ही होने वाली है सेंटर में हाँ पे पे सर्वाइवर्स सर्वाइवर्स होने वाले हाँ अपने कदम की तरफ बढ़ा रहा है। टीम सोल टोटल गेमिंग के सामने होने वाली है बट सबसे पहली फाइट यहां पे किस टीम की नजर आती है वो यहां पर जरूर पता चलेगा कहीं ना कहीं बात की जाए यहां पे टीम इलेट की तो आइकोनिक की टीम को पे यार फिनिश ऑफ कर दिया गया है एलिमिनेट कर दिया गया एंड टोटल गेमिंग का ये कारवा अब ब्राजीलिया के ऊपर कदम बिल्कुल बना के रखेगा देखना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारी टीम सर्वाइव

टीन सोल को यहां पे लिटरली गाइस घेर के रखा है बाहर आना खतरे से खाली नहीं है एंड अब ये टीम इनको सामने आएगी देखना पड़ेगा गाइज एक प्लेयर को आपने देखा होगा पीछे हट रहे थे जैसे ही बाहर की टीम नजर आई वैसे ही अपना यहाँ पे रुख बदल लिया बट विपुल यहाँ पे एक प्लेयर को डैमेज देने की कोशिश जरूर कर रहे थे बॉल लगा के उनको रिवाइव देने की कोशिश करनी चाहिए बात की जाए स्टोन क्रशर की तो

बचे रहने वाले बट फिलहाल अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल किसके पास जाएगा तो सर्कल भी हमको यहां पर जल्दी से जल्दी देखने लिए मिल जाएगा जी हाँ यहाँ पर सर्कल में यार बहुत सारी टीम्स हैं प्रो नेशन चारों पर लाइव रहने वाले देखा जाए तो स्टोन क्रशर भी यहां से बैक्शा बेकर निकल गई थी बट यहां पर लगातार गोलियां जगह चलने वाली लेकिन कौन सी टीम यहां पर नौकेंगे अगला सर्कल किसका फेवर यहां पर करने वाला क्या वो टीम सोल के पास जाएगा क्या टोटल गेमिंग के पास जाने वाले या फिर हमारी कोई और टीम रहने वाले बट फिलहाल टीम मिलीट सर्कल में रहने वाली टीम यहाँ पर क्या सबको तोड़ पाएगी वो यहाँ पर देखना पड़ेगा बट कहने की जो यहाँ पर सेंटर है वो नीचे गैरेज की तरफ जाने वाली कौन सी टीम सबसे पहले गैरेज यहाँ पर होल्ड करेगी वो भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर गाय रहने वाला पहाड़ी लगातार साय चलाएंगे छोटा सा पीक जो है वो यहाँ पर ढूंढने का ट्राई करे बट क्या वो यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे क्योंकि चार केल्स ऑलरेडी यहाँ पर टीम लीट अपने खाते में जाओ निकाल कर बैठी रहेगी बट फिलहाल यहाँ पर देखना पड़ेगा पीछे से क्या कोई और टीम लगातार आगे बढ़ पाएगी फौज ये लगातार गुला चलाएंगे जी, जी, जी या पर ट्रबल माफ किया बहुत ज्यादा लो आर्मी पर हो जाएंगे मेडिकेट उनको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे सेफली यहाँ पर हार्ड कवर में रहना पड़ेगा तो टोटल गेमिंग कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगी बट देखे तो सैसीन आर्मी ने अपने लिए एक हार्ड कवर सर्कल के अंदर बना लिया बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा क्या टीम सोल कैसे आगे बढ़ेगी आई थिंक यार वो अपना पूरा लेफ्ट साइड लेकर आगे जाते हैं तो शायद से ब्राजीलिया में ऊपर की तरफ बैठ पाए बढ़ गए हार्ड यहाँ पर पहुंचे प्लेयर यहाँ पर जो आ चुके हैं वो देखना पड़ेगा टीम मिलीट लगातार आगे बढ़ते हो क्या वो पर शिकार कर पाएंगे आइकॉनिक लगातार यहाँ पर पीछे हटेंगे मन एंड शिवम तो ही प्लेयर रहने टी एजी हार्ड की तरफ से क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर जीत पाएगी कौन सी टीम क्या आइकॉनिक का नेट हो पाएगा बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रहने वाला बट करेंगे पूरा बड़ा ट्राई यहाँ पर जरूर करेंगे जी हाइ के बाद एक जो है वो कुक करने वाले बट यहाँ पर मुश्किल है किसी भी वक्त बट पैक एंड फाइनली यहाँ पर टियर यह चुका इलिमिनेट करने जाएगा आइकॉनिक का एट नेड एंड यहाँ पर

बारह से तेरह खेल इनके पास नजर आए थे दूसरा मैप यहां पे ऑलमोस्ट सुपर टेन होने को है। आज कुछ कमाल का गेम प्ले यहां पे टीम की तरफ से देखने को मिलने वाला है। आज यहाँ पे लाजवाब गेम प्ले गजब दिन आज होने वाला है कहीं ना कहीं इनकी ऑग बिल्कुल के इस में यहां पर आग उगलने वाली पहाड़ी फिर से आगे जाएंगे इस बार यहां पे डबल साथ खेलने की कोशिश करेंगे खेल फिर से एक बार एक रश करने की कोशिश करेंगे देखना पड़ेगा दसवा खेल क्या ये कंफर्म कर पाएंगे भी या नहीं यहां पे M887 इनके सेवन पास होने वाली है विथ एम टेन यहां पे बिल्कुल एक कमाल का शॉट यहां पे लगाने वाले जियागाइ एम टेन यहां पे उनकी बहुत सर चढ़ के बोलने वाली है दस स्किल के यहां पर होने वाले सर्कल के अंदर क्या आने दिया जाएगा या फिर नहीं बिकॉज जिस प्रकार से ये गेट कीपिंग कर रहे थे टीम हिंद इनका यहाँ पे गेट कीपिंग करिए आपको फटाफट यार लाइक करना है सब्सक्राइब करना है शेयर करना है सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट करके रखना है अपनी टीम का जो सपोर्ट है अपने फ्रेंड्स को बुला के और भी दुगना कर देना है बिकॉज यार कहीं ना में हर एक टीम दुगना एफर्ट्स लगा रही है टीम इनिट अच्छी खासी गिल्स टोटल गेमिंग खाता इनका खुल चुका है चारों प्लेय सलाइब उन्होंने

बिल्कुल यहाँ पे ग्रेनेड करने की कोशिश वॉल लगा के अपने आप को बचाया जा रहा है आइकॉनिक बिल्कुल अंदर घुस के यहाँ पे नॉक करने की कोशिश करेंगे हल्का सा यहाँ पे डैमेज जरूर देखना पड़ेगा पीछे के प्लेयर कब तक यहाँ पे डैमेज दे पाते दोनों प्लेयर्स यहाँ पे कहना के मेडिकेट एंड हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को यहाँ पे पैक करने की कोशिश की जा रही है देखना पड़ेगा को क्या यहाँ पे फाइनली रिवाइव रिवाइव पे ओ माय गॉड टू क्लच के खाते में जरूर आ जाएंगे चौदह किल अकाउंट में जरूर आ जाएंगे देखना टीम एलिट किस प्रकार से गेम कर पाती है का कहीं कहीं यहाँ पे बिल्कुल चढ़ाई होने वाली है एन दोनों प्लेयर्स यहाँ पे बच के निकलने वाले का बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले पीछे पीछा क्या इनको नौकर दिया जाएगा दो लगा अपने किया जा रहा है एन संजीव लिटरली लिटरली है टीम इलिट बेवकूफ दो ही पे बचे रहने वाले चौदह केस गाय पर निकाल लेगी तो गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर करते रहना फिलहाल प्रो नेशन ने दो प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे तीन टीम्स टीम गाय से बची रहेंगे देखना पड़ेगा टीम लीड कौन यहाँ से आगे बढ़ पाएगा टू बी फोर यहाँ पर रहने वाले एक और प्लेयर आइकॉनिक एक जो है छत के ऊपर बैठेंगे डबल चोरी में यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वाइव करेंगे यहाँ पर एक और टीम रहने वाली क्या वो यहाँ पर भून निकल के जा पर क्या थर्ड पार्टी पर पॉसिबल है देखा जाए तो टोटल गेमिंग लगातार यहां पर बट पर राहुल को यहा नौके दे पहाड़ी एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकालना चाहिए और साथ ही साथ पर कितनी देर में कंफर्म कर पाएंगे आई थिंक यार टोटल गेमिंग पर पर रहने वाले वो भी लगातार आगे बढ़ेंगे किसके पास ये बुया। निकल कर आगे जा पाएगा वो भी पर एक बहुत बड़ा सवाल है बट गोलियां लगातार पहाड़ी को यहाँ पर संभलना पड़ेगा किसी भी वक्त उनके ऊपर भी प्रहार होगा यहां पर उनको भी नॉक होना पड़ेगा टोटल गेमिंग थर्ड पार्टी करने का कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले सात प्लेयर्स यहां पर बचे रहने वाले सोलह खेल पर निकालते यहाँ पर टीम को एलिमिनेट किया जाएगा

तो यहां पर हमारी टीम मिलीट यार सिर्फ एक ही वर्ड यहां पर बोलना चाहूंगा यार अति उत्तम गेम प्ले यहां पर कहने की टीम लीट लगातार मचा रही है यार एक के बाद एक आगे भी बढ़ रही है तो गाइस क्या आज हम लोग यहां पर बीस हजार की वाचिंग टच कर पाएंगे यार जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को यहां पर बुलाकर लाइए क्योंकि यार आपके जो फ्रेंड्स है वो यहां पर बहुत कुछ सीख पाएंगे टीम मिलीट लगातार मचा रही है आपकी फेवरेट टीम यहां पर लगातार एफर्ट्स लगा रहे आपके जितने भी कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं हम हर एक कमेंट के ऊपर आप मानी जो नजरें वो लगातार बनी पहाड़ी के लिए जो आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं आइकॉनिक जो हमारे व्यूअर है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल जैसे संजीव यहाँ पे जाको हमने यार एक किताब दिया था ग्रेनेड किंग का अब यहां को ग्रेनेड मास्टर का बिल्कुल यहाँ पे यार ग्रेनेड मास्टर बनते हुए बहुत सारी टीम को वाइप आउट कर रहे थे यार इनके ग्रेनेड की वो जो सेंसिबल थ्रो है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है इनको पता रहता है कहां पे पोजिशन है कहां पे थ्रो करना है एंड कब थ्रो करना है बहुत ज्यादा ग्रेनेड को बचाते बचाते थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे टीम को यहाँ पे वाइप आउट कर संजीव बहुत गजब का टूर्नामेंट आज हाँ चल रहा है बहुत गजब का दिन आज होने वाला है देखना पड़ेगा क्या ऐसी तरह से हर एक मैप में आग लगाते हुए टीम इंडियड जाएगी जिस प्रकार से यार मैंने एक्सपेक्ट किया था सेंचुरी यार कोई ना कोई टीम जरूर करेगी एंड ऐसे अंदाज में खेलते रही टीम इंडियड तो पक्का नाइनटी मुझे गारंटी है कि टीम इंडियड के पास यहाँ पे यार सेंचुरी बिल्कुल होने वाली है बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा तो गायस अगला मैप हमारा यहाँ पर होने वाला कालाहारी मैप यार कुछ भी डिसाइड नहीं रहने वाला कौन सी टीम से हवा में उड़ेगा कौन नीचे जमीन पर यार भागता हुआ पाएगा वो भी यहाँ पर कहने के देखने लिए मिलेगा बट यहाँ पर ग्रैपलिंग होगा बहुत अच्छा एडवांटेज है वो प्रदान करी टीम्स को यार तो टीम्स को एक परफेक्ट गेम प्ले यहाँ पर निकालना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा एंड कौन से प्लेयर जो वो हाई ग्राउंड का फायदा लेकर बैठे रहेंगे आसमान से यहाँ पर गोलियां बरसाएंगे एंड प्लेयर्स लाइक like गोलियां ऐसे बरसेंगी जैसे यार बादल जैसे बारिश नहीं गिरती है वैसे यहां पर प्लेयर्स प्लेयर हाई ग्राउंड का फायदा लेते हैं गोलियां यहां पर चलाते लगातार अटैक करते हैं निकालते हैं कितने किल्स यहाँ पर टीम्स उठा पाएंगे वो देखना पड़ेगा टीम मिलीट फिर से एक और बार बोलना चाहूंगा पहले मैच में तेरह से चौदह किल निकाली एंड इस गेम में भी तेरह चौदह किल के साथ लगातार मचाते हुए टीम इीड आगे बढ़ेगी भले ही थर्ड पोजीशन फिर से एक और बार यार प्लेसमेंट पॉइंट टॉप थ्री के अंदर आए हैं तो यहां पर एक बहुत तगड़ी लीड ही बना कर आगे बढ़ते है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा बट हमारा जो प्लेन पाथ इस बार रहने वाला है वो थोड़ा सा दिक्कत में डालने वाला है हर एक टीम को यार दसब के ऊपर एंड मेहमत के ऊपर कैसे बढ़ेंगी जी बिल्कुल स्प्रेड आउट तो बहुत ही शानदार होने वाला है हार्ट जोन रिफाइनरी के ऊपर आया फोर्स हो चुकी है टीम रिफाइनरी के ऊपर उतरने के लिए बहुत बार

अर्ली एलिमिनेशन के चांसेस नजर आ रहे हैं अर्ली फाइट के चांसेस नजर आ रहे हैं प्रोनेशन बिल्कुल अपना कहर यहाँ पे सामने वाला टीम के ऊपर जरूर आएगी जी हाँ जैसे साबिर गेमिंग होने वाली है सामने रिफाइनरी का ये एरिया होने वाला है देखना पड़ेगा कुनाल बिल्कुल स्नाइपर के साथ स्कोपिंग करने की कोशिश कर रहे थे बट कहना के लेट हो चुके शॉट कनेक्ट करने में सामने एआर वेपन के साथ यहाँ पे इनको नॉक जरूर कर दिया गया उनका किल कंफर्म करने के लिए एक प्लेयर यहाँ पे रश जरूर करेंगे देखना पड़ेगा कब तक यहाँ पे वो रश कामयाब होता है एंड कुनाल अब रिवाइव हो चुके हैं हिलअप हो चुके हैं बट यार संजीव बात की जाए इन सारे टीम्स की कहीं ना कहीं इनके पास यहां पे अर्ली फाइट में मेडिकेट की कमी होने वाली है, रिसोर्सेस की कमी होने वाली शॉर्ट रेंज के एमोज यहां पे कम होने वाले बट कहीं ना कहीं यहां पे देखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होने वाला है प्रो नेशन फिर से एक बार फील्ड आएगी दो किल्स, इनके खाते में पे जरूर आ जाएंगे देखना पड़ेगा अगले प्लेयर यहां पे कब तक निकलते या कब तक यहाँ पे रह के अपना रिवेंज कंप्लीट करते तो हैं सपोर्ट करना होगा हर एक टीम के हैशटैग लगाने होंगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड आपको मैं बता दूंगी बिल्कुल जिस प्रकार से यार इस गेम में यहाँ पे मूड लग रहा है हर एक टीम के अंदाज यहाँ पे लग रहे हैं अर्ली फाइट यहाँ पे बहुत ही तगड़ी अब होने वाली है बिल्कुल अब एस के सबीर है दो पे को खो दिया बट यहां पर क्या पॉसिबल कर पाएंगे जी यहाँ पर ट्राई करते करते क्या वो नॉक निकाल पाएंगे टायर के ऊपर पर जब फाइनली नॉक निकाले इनके लिए यहाँ पर, पर कंफर्म करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे बट उनको भी यहां पर सामने से गोलियां चलाई गई उनको भी यहां पर नॉक होना पड़ेगा समीर लगातार लौते पे बचे हो क्या वो यहां पर बच पाएंगे बट डबल वैक्टर राजा याद इस बार वुड पैकर नहीं है बट यहां पर कहने की लगातार आगे भी बढ़ेंगे फिलहाल देखना पड़ेगा जी जो चारों प्लेयर्स यहां पर बचे वो तीन किल्स और यहां पर अपने खाते में निकालेंगे के गेम प्लेयर यहां से बचकर जा चुके थे कितना सर्वाइव वो यहां पर कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा बट विपुल को यार मेडिकेट्स की जरूरत बहुत ही ज्यादा रहेगी तो यार ट्रीटमेंट गन और यहां पर मेडिकेट्स जुड़नी पड़ेगी नहीं तो इनहेलर और मशरूम से भी काम चलाया जा सकेगा फिलहाल समीर एक लौते प्लेयर यहां पर बचे रहेंगे बट कहने के यार अभी तक कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई सोलो सर्वाइवर हमको यहां पर नजर जरूर आ जाएंगे तो गाइस यहां पर देखना पड़ेगा बट गाइस अगर आपने अभी तक लाइक like नहीं किया तो लाइक कीजिए शेयर करके अपने फ्रेंड्स को यहां पर बुला लेना क्योंकि यार बहुत सी फाइट से बहुत कुछ नया आज हमको सीखने के लिए मिलेगा बट टोटल रैंकिंग भी साथ ही साथ आ चुकी की यार टीम इड यहां पर 45 पॉइंट्स आई थिंक यार ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की लीड यहां पर बनाकर रखी जाएगी ट्वेंटी नाइन किल पॉइंट यहां पर होने वाले एक जो यार डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं ट्वेंटी नाइन पॉइंट यहां पर टीम लीड के पास है सेकंड पोजिशन पर जो टीम है सिर्फ आठ किल पॉइंट है यानी यार इक्कीस पॉइंट की जो किल पॉइंट में लीड है वो यहाँ पर टीम लीड के पास रहने वाली टीम इन सेकंड पर रहेगी 26 उनके पास आएंगे लेकिन आर्मी भी सेम पॉइंट्स के साथ यहां पर थर्ड पोजिशन के ऊपर रहने वाले फोर्थ पर टोटल गेमिंग ट्वेंटी वन पॉइंट उनको भी यहां पर कम बैक करना पड़ेगा टी जी हाँ को आगे बढ़ना पड़ेगा तो हरे टीम के लिए यहां पर पॉसिबल है बट उनको पॉसिबल बनाना पड़ेगा कैसे उस सर्कल में बैठेंगे वो हर एक चीज देखी जाएगी जी बिल्कुल गाइस ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी कंप्लीट करके रखे हुई टीम मिनिट में सिर्फ दो मैचेस में इस बार इनका गेम प्ले किस प्रकार से जाता है वो जरूर देखना होगा क्या सेंचुरी मार पाएंगे जी गाइस बिल्कुल एक कमाल की बैटिंग इनकी तरफ से चल रही है भाई हर एक मैच में चौके छक्के लगा रहे हैं हर एक मैच में विकेट पे विकेट यहां पे यार लगा रहा है गाइस देखना पड़ेगा असिन नामी कब तक आगे बढ़ती है जी हां गाइस तीसरे पोजीशन से ऊपर बढ़ने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होने वाले दूसरे स्थान के ऊपर रहने के लिए बहुत ही ज्यादा चांसेस होने वाले बट अर्ली फाइट यहां पे अब एलिमिनेट होना बहुत ज्यादा नुकसान देगा आइकॉनिक के साथ असासन हमें बिल्कुल पहला पंगा लेते हुए आगे बढ़ रही है देखना पड़ेगा यहाँ पे आइकॉनिक की टीम कब तक स्टीव के ऊपर रश करती है बहुत ज्यादा चोटिल होने वाले बट मेडिकेट की कोई भी कमी नहीं फिर से एक बार हिलप हो जाएंगे फिर से एक बार तैयार हो जाएंगे देखना पड़ेगा अब यहाँ पे स्टीव को कब तक सपोर्ट आता है आइकॉनिक के ऊपर अपना कहर बरसाते हुए बैट बनी हाइट का एडवांटेज लेना पसंद करेंगे इनके पास बहुत ही बेहतरीन वेपन होने वाला है जी पे वी एस एस वे रिपर बुलेट है या नॉर्मल बी एस एस है वो भी देखा जाएगा बट स्मोकी एम सिक्सटी के साथ बिल्कुल एंड सबसे पहले की बात की जाए तो ये गन यहाँ पे ग्लू वॉल फोड़ने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है ग्लू वॉल फोड़ी जाएगी बैक टू बैक डैमेज दिया जाएगा क्रोनो शील्ड यहाँ पे तोड़ी जाएगी एंड कितने किल्स अब यहाँ पे यार आर्मी के खाते में आएंगे वो भी देखा जाएगा फाइनली यहाँ पे खाता अभी तक खुला तो नहीं है बहुत ज्यादा चोटिल यहाँ पे स्मोकी सामने वाली टीम को कर देंगे बट देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कुछ फ्लैंक इनकी तरफ से देखने को मिलता है राहुल जिस एंगल से मारने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था बट ग्लू वॉल फोड़ के फिर से एक बार वो एंगल उनके पास आएगा पैराफल के साथ कैड आएंगे सामने यहाँ पे यार चारों के चारों प्लेयर यूनाइट होकर खेल रहे कोई भी फ्लैंक नहीं कर रहा है कोई चांस से नहीं बन रहा है यहां पे फ्लैंक करने का मिस्टर पीछे से कवर देने की कोशिश कर रहे हैं आइकॉनिक के तीन प्लेयर्स यहाँ पे आगे जरूर आ चुके हैं ये कुछ सिचुएशन संजीव ऐसी लग रही है कि यार हाइट का एडवांटेजन आदमी ले तो रही है बट फायदा नहीं हो रहा है

और साथ ही साथ क्या वो यहां पर नॉक निकाल पाएंगे ओपन में जा रहे इतना कॉन्फिडेंस क्या इतना, इतना काम आ पाएगा वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है बट कहने की जॉन्टी वापस से आ चुके टेंट के अंदर तो यहां पर सेफली लूट करना चाहेंगे और साथ ही साथ वो जो बचे हुए प्लेयर्स है क्या वो यहाँ से बैक स्टेप लेकर जा पाएंगे आई थिंक यार देखना पड़ेगा पहाड़ी भी अपने टीम को ज्वाइन करने के लिए आज के सिंगल साय पर उनके पास आने वाले बट कहीं ना कहीं ड्यूकर एंड यहाँ पर

VSS के साथ हमको नजर आ जाएगी तो गाइस यहां पर देखना पड़ेगा यार अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा फिलहाल आपके जितने भी कमेंट्स यहां पर आने वाले गाइस हम लोग हर एक कमेंट के ऊपर जो नजर है वो बनाकर रखना चाहेंगे तो आपको शायर अंदाज में कमेंट्स करने और साथ ही साथ यहां पर स्टीव लगातार मेडिकेट लगाएंगे सैसन आर्मी आई थिंक यार बैट बनी को नॉक कर देंगे सामने एलविल आइकॉनिक रहने वाले क्या वो यहाँ पर बच पाएंगे राहुल लगातार आगे बढ़ते हुए क्या अपने प्लेयर को रिवाइव दे पाएंगे आई थिंक यार एलविल आइकॉनिक एक से एक बढ़कर एक प्लेयर नॉक होते हुए कहने के यहाँ पर पूरा का पूरा घेर कर रखा हुआ स्मोक की लगातार यहाँ पर ट्राई करेंगे जी बिल्कुल यहाँ पे गाइस बात की जाए आमी की तो बहुत अच्छे खासे किल्स यहाँ पे बटोने के चांसेस ये रख रहे हैं पहला किल खाते में आ चुका है दूसरा किल यहाँ पे नॉके उसको भी कंफर्म किया जाएगा एंड गाइस बात की जाए यहाँ पे बाकी दो प्लेयर्स रिट्रीट करेंगे इस फाइट से एंड पीछे हटेंगे मिस्टर जीरो फाइव विद नो मेडिकेट सर्कल के अंदर जाना क्या संभव रहेगा वो भी बहुत बड़ा सवाल होने वाला है बिकॉज बैक टू बैक जोन जो डैमेज दे रहा है उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज खाएंगे एंड हाफ के नीचे हेल्थ जरूर आ चुकी है एंग्री आर सेफली सर्कल में आ तो जरूर चुके बट क्या इनके टीममेट आ पाएंगे ये फैंस के मन में सवाल दौड़ रहा होगा टोटल गेमिंग खाता खुल चुका है पहला अखिल खाता मैं सामने यहाँ पे प्लेयर्स होने वाले देखना पड़ेगा कब तक आगे बढ़ेंगे जी बात की जाए अब यहाँ पे अर्ली फाइट की वो जो संभावना थी वो अब बहुत कम हो चुके बहुत सारे टीम यहां पे अंदर आना चाह रही है टीम हिंद की बात की जाए तो वो यहां पे टोटल गेमिंग के बिल्कुल सामने होने वाली है लेफ्ट साइड से यहां पे एक और टीम एंट्री करना चाहती है देखना पड़ेगा कब तक हर एक टीम यहां पे टोटल गेमिंग के सामने आ पाती है जी कैसे आपको यहां पे लाइक करना है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट करके रखना है सबसे बड़ी बात अपनी फेवरेट टीम का सपोर्ट बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस टूर्नामेंट को शेयर करना है चाहे कोई भी हो फटाफट फड़। यार फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड उनको बताओ आज यहां एक बड़ा पहाड़ खड़ा करने वाली है उनको बताओ यहाँ पेट सेंचुरी करने वाली है उनको बताओ यहाँ पे टीम कह रही है हर एक मैप में जी फ्रेंड्स को यहां पे बुला के उनको भी मौका दो हर एक टीम का यहां पे कम देखने का टीम इलिट का यहाँ पे कहना ना कहीं चलवा देखने का टोटल गेमिंग की बात किया जाए तो डिलीट यहाँ पे अंदर आते आते बिल्कुल नॉक हो जाएंगे कौन इनको रिवाइव देगा वो यहां एक सवाल होने वाला है

उनके पास यहाँ पे होने वाला है टोटल गेमिंग के तीनों प्लेयर्स प्रकार से अब इस बैटल को पिक करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे पे पे अंजाम देंगे वो बहुत बड़ा सवाल होने वाला है बिकॉज ग्रैपलिंग हुक गन टोटल गेमिंग के पास नहीं है ऊपर जा भी नहीं सकते बाहर भी जा नहीं सकते बस दूर से यहाँ पे जितना लॉन्ग रेंज या मिड रेंज फाइट हो वो यहाँ पे ले सकते हैं बट यार क्या कुछ बाला के समय ड्रॉप में आएगा वो भी एक सवाल होने वाला है सामने यहाँ पे हैप्पी प्रिंस गेमिंग के प्लेयर्स कहर पे कह न आ रहे बात की जाए इस मैच की इस फाइट की तो अगर ये फाइट जल्दी खत्म नहीं होती है, तो पीछे से यहाँ पे टीम नंबर सिक्स सर्वाइवर्स अपना अपीर जरूर दिखा देगी बिल्कुल अब दिखाना पड़ेगा यू भी साथ ही साथ यहाँ पर आज की तो गायन एरियल यहाँ पर लोकेशन रिवील करेगा यहाँ पर जितने भी टीम्स इस येलो सर्कल में यहां पर गाइस आपको तो बता देना चाहता हूं आपको जो कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं गाइस यार टॉप फोर टीम यहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो गाइस हाँ आज यहां से टॉप फोर टीम्स क्वालिफाई करके जाने वाले फिलहाल यहां पर आइकॉनिक लगातार एक के बाद एक नॉप पर एक नॉप निकाले क्या वो यहां पर किल कंफर्म कर पाएंगे तीन प्लेयर्स यहां पर लाइव रहने वाले किलर को यहां पर कहने के खो दिया गया बट यहां पर क्या रिवाइव दे पाएंगे आई थिंक शायद से बिल्कुल रिवाइव में पहाड़ी के 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 पर पहाड़ी लगातार आगे बढ़ते निकलने का ट्राई करेंगे मुसीबत है, कर है लगातार बढ़ने वाले टीम यहाँ पर लगातार खोले प्ले को नॉक कर देगा जे कॉप एचिया पर कोई गलती नहीं करेंगे अपने खाते में उतार लेंगे यहाँ पर बीच में गए थे फर्स्ट गए सैंडविच सिचुएशन में यहां पर देखा जाता है टीम इलीट आगे बढ़ेगी यूए भी लगातार पीछा किसी का भी नहीं छोड़ने वाला है तो यार लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा देखा जाएगा कैसे ये जो टीम से लगातार आगे बढ़ेगी पहाड़ी के पास स्नाइपर फिर से एक और बार यहाँ पर रहने वाली क्या वो यहाँ पर लगातार तबाही मचा पाएंगे दस टीम्स गाइस पर लाइव रैंक थर्टी टू प्लेयर्स अभी भी, भी बचे प्रो नेशन लगातार आगे बढ़ते हुए छे खेल ऑलरेडी अपने खाते में मुतालिकली लॉन्च पैड लेकर यहाँ पर डायरेक्टली सर्कल के अंदर छलांग लगा दी गई थी आसमान की ऊंचाइयों में उड़कर जाएंगे डायरेक्टली सबके ऊपर उतर जाएंगे इधर सेफ कंपाउंड ले गए बट यहाँ पर सैसिनार मी का बोल बाला होने वाले कौन सी टीम यहां पर बच पाएगी बैट बनी को कर दे कोई भी गलती प्रो नेशन यहाँ पर नहीं करेगी और किल अपने खाते में ऐड करते हुए क्या हुआ यहाँ पर सैसिनारी शिकार कर पाएगी वो यहाँ पर देखना पीछे से

ऑल पर साइड कर लिया फिलहाल यहाँ पर पहाड़ी लगातार में जाना क्या इतना आसान रहेगा सिर्फ दो प्लेयर्स पर बचे र, आगे कर बट आई से पहाड़ी का बचना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल यहाँ पर रहने वाले नौगा प्लेयर जो कि यहां पर सर्कल में ऑलरेडी जाकर बैठ चुके थे कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करेंगे बहुत अच्छा कवर है सेंटर में यार ओपन एरिया यहाँ पर रहने वाला था उनको संभलना पड़ेगा हार्ड कवर अपने लिए बनाना पड़ेगा जी बिल्कुल यहां पे सोलो सर्वाइवर फौजी अजय भी होने वाले सो सोलो सर्वाइवर यहाँ पे यार किसी और टीम के प्लेयर भी होने वाले बहुत सारी टीम की तरफ से यहाँ पे सोलो नहीं तो टू नजर आ रहे हैं कमाल का हेडशॉट शॉट कनेक्ट कर दिया जाएगा हैप्पी हाँ प्रिंस गेमिंग की तरफ से टीम सोल के प्लेयर को यहाँ पे कहना हैप्पी प्रिंस गेमिंग के एक प्लेयर को भी नॉक कर दिया गया देखना पड़ेगा यहाँ पे फौजी अजय कितने किस्ट उठा पाएंगे बिकॉज अगर थर्ड पार्टी करने का बहुत ही बेहतरीन मौका उनके पास है ग्लू होल अगर फोड़ देते तो एक और किल अपने खाते में आता था बट उनको भी यहां पे ढूंढा जा चुका है टीम सोल के खाते में यहां पे छह किल जरूर आएंगे देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने आगे तक इनका मीटर बढ़ता है फिलहाल तो आगे बढ़ रहे दो प्लेयर्स यहां पे कमान संभालेंगे टीम सोल की एंड आगे भी बढ़ा जाएगा बट बढ़ गेट कीपिंग का सहारा बिल्कुल यहां पे लेंगे गेट कीपिंग का फायदा बिल्कुल यहां पे लिया जाएगा कितने ज्यादा यहां पे कोशिश करेंगे प्रीत भाई वो भी देखा जाएगा ठीक सो के प्रीत यहां पे आगे जरूर बढ़ेंगे एक एक कमाल का गेट -कीपिंग करते हुए प्लेयर पे इनके करीब आएंगे घुसकर उनको यहां जाएगा सर्वाइवर्स कहीं ना कहीं के अपना कैर डाले तीन किल्स इनके खाते में बट एलेक्स को क्या यहां पे रिवाइव देना संभव रहेगा क्या यहाँ पे गोल्डन पीछे जाके एलेक्स को रिवाइव देंगे जी हाँ एलेक्स की तरफ से यहाँ पे बताया गया होगा कि भाई मैं हार्ड कवर के पीछे वॉल डाल के रिवाइव करते यार तो यार गाइस तीनों प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव होने वाले सर्वाइवर्स की तरफ से रिवाइव मिल चुका है एन टीम इलिट का आइकॉनिक बस यहाँ पे सोलो किस तरह से सर्वाइव करेंगे सवाल पे सवाल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं टीम इलिट का अभी भी गाइस यहाँ पे आठवें स्थान से टॉप फोर में एंट्री करना बहुत ही ज्यादा शानदार था बहुत ज्यादा कमाल का सोलो सर्वाइविंग आइकॉनिक की तरफ से देखने को मिला था जी हाँ इनके हैशटैग यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा रहे, जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनको कहा जा रहा है ग्रेनेड मास्टर जिया गाय देखना पड़ेगा यहाँ पे सिक्स ग्रेनेड्स इनके पास होने वाले बट ग्रेनेड थ्रो करने के लिए यहां पर क्लोजिंग होना होगा तब भी यहाँ पे लॉन्ग रेंज पे मीटर पे मीटर चालू रखेंगे अपने टीम के बढ़ाते रखेंगे तीन किल फाइनल के खाते में जरूर आ जाएंगे टॉप फोर में अपनी जगह यहाँ पे बनाए रखे होंगे एंड यहाँ पे प्लेसमेंट पॉइंट भी अच्छे खाते आएंगे जिया गाय देखना पड़ेगा तीसरा मैप चल रहा है यहाँ पे टीम इलिट का कमाल का गेम प्ले यहां पर देखने को मिल रहा सोलर सब आवर सामने प्रोनेशन के ऊपर यहाँ पे ग्रेनेड की बरसात की जा रही है एंड फाइनल

डालते राजा जो वुड पेकर के साथ खेलते हैं बहुत बार वो अब यहां पे क्या डाएंगे बी के साथ एमपी फोर्टी क्या इनका कमाल दिखा पाएगी बिकॉज प्रो नेशन की तरफ से यहाँ पे कहना है के सामने प्लेयर होने वाले गेमर्स की तरफ से एक कमाल का सुपर चढ़ यहाँ पे आता होगा आपको यहाँ पे सपोर्ट बढ़ाना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने फेवरेट टीम का हैश टैग पे लगाना है फटाफट यहाँ पे अपना सपोर्ट दुगना कर देना है स्वभाव उसके पास एक कमाल का भूया आएगा एंड गोल्डन विद गोल्डन मूव एम बन जाएंगे संजीव हर एक मैप में यहां पे हमने देखा हर एक बार नया नाम हमारे सामने आ रहा है नया नाम यहाँ पे बुआ ले रहा है बहुत सारे अच्छे खासे पॉइंट अब यहाँ पे सर्वाइवर्स के पास भी होने वाले हैं बिल्कुल आप देखा जाएगा फिलहाल हर एक टीम लगातार आगे यहाँ पर देखा है तो यार हमारे कमेंट्स भी बहुत अच्छे का यहाँ पर नजर आता ग्रेनेड मार्च पर आइकॉनिक के भी हैश टैग जो है वो लगाया जा रहे तो फिलहाल देख रहे हैं टीम लीड कितने ऊपर तक पहुंच पाएगी कितना अच्छा डिफरेंस हो दो गेम के बाद ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके बैठी हुई थी यार बीस उन्नीस पॉइंट का जो डिफरेंस था वो यहाँ पर क्या अभी भी बरकरार रह पाएगा या फिर कोई टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ेगी कितना अच्छा सर्वाइव वो यहाँ पर कर पाए टोटल गेमिंग कितने ऊपर तक पहुंच पाएगी टीम सोल कहां पर स्टैंड करेगी हरेक टीम के ऊपर हमारी जो नजरें वो लगातार बनी रहेंगे तो गाइस यहाँ पर देखा जाएगा अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना शेयर नहीं किया तो शेयर करके अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाइए और साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा क्योंकि हमारे तीन मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं टीम लीड पचास पॉइंट का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर क्रॉस कर चुकी है तो अभी देखना पड़ेगा बाकी तीनों मैचेस के अंदर टीम्स कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकालते कितने परफेक्टनेस के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगी जी बिल्कुल टीम रेट तो बिल्कुल कॉलर टाइट करते हुए आगे बढ़ रही है टोटल रैंकिंग के ऊपर यहां पे फर्स्ट स्थान उनके पास क्या होगा अब या उनको नीचे ढकेला जाएगा वो भी एक सवाल होने वाला है बट यार डिफरेंस बहुत ज्यादा आई थिंक पहला स्थान यहां पे उनके पास जरूर होने वाला है संजीव बात की जाए तो बहुत ही जल्दी टीट के यहाँ पे प्लेयर्स फिनिश ऑफ हो चुके थे बहुत जल्दी यार तीन प्लेयर्स यहाँ पे गायब हो चुके थे अकेले कर कर रहे रहे थे थे एंड वो पे पे सिर्फ नहीं किल किल ग्रेनेड थ्रो कर रहे थे, थे। ग्रेनेड के साथ भी किल किया जा रहा था गन्स के साथ भी यहाँ पे यार धमाके दिखाने के लिए बिल्कुल कोशिश की जा रही थी बहुत ही कमाल का गेम प्ले हमें यहां पे देखने को मिला बट गाइज तीन मैप्स कंप्लीट फिर से एक बार ये तीन मैप जब भी आएंगे मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की हम बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपको बताते रहते हैं कि जब फिर से एक बार ये तीन मैप आते हैं तब स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलता है टॉप की टीम सर्वाइव करते हुए नजर आएगी बॉटम टीम यहाँ पे रश खेलते हुए नजर आएगी एंड बमुड़ा मैप यानी कि सबसे वेल नोन मैप होने वाला है रश एंड रोटेशन यहाँ पे किस प्रकार से हमारी टीम लेगी वो भी देखा जाएगा बट क्या लगता है संजीव कौन सी टीम यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली होने वाली है बिकॉज यार हर एक टीम यहाँ पे तगड़े से तगड़ा परफॉर्म कर रही है जी हाँ यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारा अगला मैच है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो चुके हैं तो फिलहाल यहाँ पर प्लेन पाथ एक और धोखा देगा टीम्स को टीम्स कैसे लगातार यहाँ पर आगे बढ़ेंगे एंड फिलहाल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है वो टीम्स के लिए बढ़ेंगी बट टोटल गेमिंग यहाँ पर मिल के ऊपर उतरना तो चाहेंगे एंड चाहिए शिप शिपयार्ड के ऊपर उतरती है देखा जाए तो इस बार सेफली सर्वाइवर फोरियन के पास जो है वो हॉट जोन बुलसाई के ऊपर यहाँ पर लूट करेंगे एंड फिलहाल देख उतरते हुए यहाँ पर टीम सोल क्या उनके साथ उतरेगी वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा आर्मी लगातार आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं हमारी टीम हिंद भी फैक्ट्री की तरफ जाने का पूरा पूरा ट्राई करेगी बट यहाँ पर स्टोन क्रशर भीमा शक्ति के ऊपर हमको नजर आ जाएगी एंड प्रो नेशन यहाँ पर एक तरफ रहने वाली है एंड फिलहाल देखते देखते कौन सी टीम क्या पीक के ऊपर जा पाएगा टीम लीड शायद से रास्ता भटक गई या फिर यार केप टाउन के ऊपर इस बार नहीं उतरेगी तरह वो भी देखा जाएगा बट ये बटीएस लगातार यहां पर उतरी तो जरूरत क्लॉक टावर के ऊपर क्या वो यहाँ पर फाइट ले पाएगी यार हैप्पी प्रिंस यहाँ पर कैसे अपने आप को बचा पाएंगे वो देखना पड़ेगा बट शिवम लगातार आगे बढ़ेंगे थॉमसन एंड यहाँ पर एक ही जब उठा ली गई फिलहाल मन के पास कोई भी वेपन नहीं रहेगा बट फिर भी वो यहाँ पर ट्राई करेंगे एक के एक के बाद निगा। अभी यहाँ पर नौक उचे फिर भी ट्राई करते कहीं ना कहीं यहाँ पर वी से क्या वो नॉक निकाल पाएंगे अभी को सक्सेसफुली रिवाइव मिल चुका जी हाँ यहाँ पर गाय देखना पड़ेगा लगातार आगे भी यहाँ पर बढ़ेंगे शिवम एक के बाद एक रोटेशन यहाँ पर लेना चाहेंगे प्लस पर उनके हाथों में रहने वाली फिलहाल बारह की बैर टीम अलाइव है एक प्लेयर को यहाँ पर खोया गया फोर्टी सेवन प्लेयर्स यहां पर अलाइव रहेंगे क्लॉक टावर की ये फाइट में कौन जीतेगा एंड कौन यहां पर शहीद हो जाएगा वो देखना पड़ेगा बट कहने की लगातार आगे भी बढ़ेगा टीम लीड की फाइट है के पहला केल प्रो निचन को यहां पर एक बहुत बड़ा झटका दे दिया गया एक निकाला गया और साथ ही साथ जॉन टी ने यहाँ पर अर्श को स्पॉट करके रखा हुआ क्या वो यहां पर बने रहेंगे क्या उनके पास इतनी एमोस है कि यार वो अच्छा खासा डैमेज दे पाएंगे बट कहने की यार उनके पास मैडिक नहीं है तो आइकॉनिक लगातार पूरा का पूरा सपोर्ट यहाँ पर देना चाहेंगे एक नेट क्या यहाँ पर मुसीबतें खड़ी कर पाएगा जी हाँ यहाँ पर एक और नॉक चाहे वो टीम मिलिटे निकाले फिलहाल आगे बढ़ेंगे देखना पड़ेगा क्या ये टीम चार किल्स अपने खाते में उतार पाएगी प्रो नेशन लगातार एक के बाद एक अपने कदम पीछे हटाते हुए यहां से सर्वाइव करने का ट्राई करेंगे देखना पड़ेगा क्या उनको स्पॉट कर पाएंगे पास कौन यहां लास्ट प्लेयर जो पर बचे रहेंगे क्या उनका बचना पॉसिबल रहेगा कहीं ना कहीं तीन किल एंड कार लेकर जाने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे पहाड़ी पीछा करेंगे एंड कोई भी मौका यहां पर कुनाल को नहीं मिलने वाला जी चीज यहां पर देखते देखते जो प्लेयर बचे हैं उनका पूरे तरीके से पीछा करने वाला बट फिलहाल यहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है वो खड़ी कर दी गई कार लेकर यहां पर घूमने बट क्या वो यहां पर खेल निकालेंगे जी हाँ यहां पर चार खेल अपने खाते में यहां पर जोड़कर टीम लीड पीक को पूरा साफ कर दिया गया और साथ ही साथ यहां पर एक बहुत अच्छे पर के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे जी बिल्कुल गाइस टीएजी का फिर से एक बार एक कमाल का फाइट यहाँ पे कहना क्लोज इन होने के लिए शुरुआत हो चुका है एस के एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाएंगे शरीफ को यहाँ पे नॉक किया गया सुप्रीम की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे एक कमाल का गेम प्ले दिखाने की कोशिश करके एस के दो प्लेयर्स यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे देखना पड़ेगा टीएजी के बहुत सारे प्लेयर्स के पास यहाँ पे शॉर्ट रेंज वेपन नहीं है सुप्रीम यहाँ पे नीचे आने का रास्ता क्लोज कर देंगे पीछे हटने की कोशिश क्या करेंगे या यही रह के यहाँ पे इस फाइट में पंगा लेंगे इमरॉस यहाँ पे अकेले प्लेयर बचने वाले देखना पड़ेगा मैक्स मैक्सेवन के साथ कितना कैरेंट आ पाएंगे फिलहाल आगे बैठने की कोशिश बट यहाँ पे दो प्लेयर्स नॉक के चलते पीछे हटना होगा रिट्रीट करना होगा दो किल्स अपने खाते में जरूर लाके रखे बट यहां पे सोलो सिचुएशन अपने नाम कर पाएंगे वो भी एक सवाल होने वाला वाले गाइस अकेले यहां पे रहने वाले ऊपर पे कहना के दो से तीन प्लेयर्स बिल्कुल रहा है को कब तक स्पॉट किया जाता है फाइनली एक और डिसएडवांटेज डिसोज के पास होने वाला है मेडिकेट की कमी साफ साफ नजर आ रही फाइनली एक मेडिकेट यहाँ पे लुटकेट से मिल जाएगी मैक्स मैक्सन को चेंज करके यहां पर दोनों शॉर्ट रेंज वेपन लिए गए M10 and MP40. अब यहां पे दोनों शॉर्ट रेंज वेपन से गएंगे देखना पड़ेगा गाइज यहाँ पे इमरॉस किस प्रकार से गेम ले दिखा पाएंगे एस एस जी के इमरॉस यहाँ पे बिल्कुल देने की कोशिश की जा रही है बट कहीं ना कहीं उनको ढूंढा जाएगा गन की मदद से टीएजी के पास यहाँ पे चार किल होने वाले एक भी प्लेयर को यहां पे खोया नहीं बट फिर भी जाते जाते यहाँ पे दो से तीन जरूर लेके जाएंगे बट की की बात जाए तो चार किल्स फिर से एक बार मजबूत हो जाएंगे बट कोई भी टीम यहाँ पे ग्राउंड नहीं शेयर कर रही है थर्ड पार्टी का मौका कहीं भी नहीं लग रहा है तो टीएची के लिए ये काफी ज्यादा खुशी की बात होने वाली है समय इनके पास होने वाला है पूरा का पूरा क्लॉक टावर अपर साइड एंड अंडरग्राउंड पूरा लूटने का मौका उनके पास होने वाला है टोटल गेमिंग की बात की जाए तो इस बार यहाँ पे मिल के ऊपर उतरने वाली है एंड अब, अब इनके इरादे पीक के ऊपर जाने के लग रहे हैं देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहाँ पे पीक पे सबसे पहले नजर आएगी पहले से ही यहाँ पे गेट कीपिंग करते हुए नजर आएगी यहाँ पे गाय टोटल गेमिंग के वाला राइट साइड जाके भी शक्ति से क्या कोई टीम ऊपर आने की कोशिश कर रही है वो भी देख रहा है कब तक आगे बढ़ेंगे कब तक कोई प्लेयर स्पॉट होगा वो भी पे पे देखना पड़ेगा फिलहाल माफिया भी आगे बढ़ रहे हैं यूनाइट होके टोटल गेमिंग का ये कारवा अब मील एंड वो जो रिवर साइड है वो एरिया छोड़ के पीक की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं बता दूं अगर टोटल गेमिंग यहां पे पीक पर आती है तो टीम एलिट बिल्कुल इनको मिलने के लिए काफी ज़्यादा उत्सुक रहने वाली एक कमाल का है हमें देखने को मिल सकता संजीव बात की जाए अब टीम एलियड की तो इनके प्लेयर एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर यहाँ पे स्प्रेड आउट होकर लूट कर रहे हैं बिल्कुल अब लूट करेंगे बट देखना पड़ेगा यहाँ पर किस प्रकार से अपने आप को जो है वो बचा पाएंगे बट यहाँ पर आई थिंक पूरे का पूरा देखना पड़ेगा सामने यहाँ पर हमारी टीम हिंद्र वाली गोलियां लगातार शायद से एक एच पी में यहाँ पर बचे रहेंगे बट कहने के यार उनको क्या नॉक कर पाएंगे यहां पर राहुल लगातार गोलियां चलाते हैं यहाँ पर मेडिकेट से गाली गई फिलहाल अपने आपको सेफली कवर में बनाकर रखेंगे बट यहाँ पर सैयद सागर की तरफ से यार दिल्ली दिल यहाँ पर भेजी जा रहा है टोटल गेमिंग के लिए जो पूरा सपोर्ट है वो यहाँ पर कहने की बनाकर रखा जा रहा है और साथ ही साथ टीम लीड के लिए हैश एंड यहाँ पर लाइक यार वो जो इमोजी रहता है ना आग लगा दिया तो टीम इंडिया पर आग लगाएगी तो फिलहाल यहाँ पर बैट बनी के ऊपर गोलियां लगातार चलाते हुए यहाँ पर एक और टीम शायद से पूरा पूरा घेरने का ट्राई करेगी टीम इंडिया आई थिंक शायद से क्या वो यहाँ पर बैट्समैन ले पाएंगे ऋतिक शार एक तरफ रहेंगे जहां यहाँ पर देखना पड़ेगा नाइन टीम से लाइव रहने वाले थर्टी थ्री प्लेयर यहाँ पर कहीं ना कहीं बचे रहेंगे तो गाय इस आपको लाइक

यहाँ पे एंट्री करेगा देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने किल्स ये निकाल पाएंगे सामने सामने आर्मी होने वाली, सामने होने वाली टीम हिंद के प्लेयर्स भी वाले सबसे पहले किसको शिकार बनाती है वो यहाँ पे यार देखना पड़ेगा समय यहाँ पर यार सोचना पड़ेगा कब तक यहाँ पे किसको शिकार बनाया जाएगा एंड कब तक आगे बढ़ा जाएगा फाइनली अभी यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं टोटल गेमिंग के फौजी अजय भी यहाँ पे पोचिन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा कारवा जब भी यहाँ पे पोचिन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा बहुत सारी टीम यहाँ पे इनको मिलने वाली बट टोटल गेमिंग की निगाह है किसी और ही टीम के ऊपर टिकी हुई है माफिया यहाँ पे यार कूद कूद के देखना चाह रहे हैं क्या पीछे से कोई टीम आ रही है क्या थर्ड पार्टी करने की कोशिश की जाएगी क्या यहाँ पे सरप्राइज देने की कोशिश की जाएगी बट टोटल गेमिंग यहाँ पर है यानी कि कोई ना कोई टीम

और अपनी फेवरेट टीम का सपोर्ट यहां पे दुगना करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट करके जरूर रखना राहुल बिल्कुल यहां पे फिर से एक बार रिवाइव हो जाएंगे हो जाएंगे फिर से एक बार फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे बिल्कुल इरादे यहां पे मजबूत किए जाएंगे टीएजी के चारों के चारों प्लेयर्स अभी भी यहां पे वो समय ढूंढ रहे हैं वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब यहां पे रश करने का चांस मिलता है कब यहां पे यार मौके पर चौका मारने का चांस मिलता है बट फिर से एक बार यहां पे यार डेंजर जोन जरूर आएगा इस बात की जाए यहां मिनी मैप की तो बहुत टीम यहां पे नजर आ रही तो कहना ना कि एक से दो बार डेंजर जोन इसी एरिया पे बिल्कुल कहर आने वाले देखना पड़ेगा ओपन एरिया में बिल्कुल यहाँ पे फाइट लेने की कोई भी गुंजाइश अब टीम हिंद के पास नहीं है को डैमेज देने की कोशिश बिल्कुल ऋतिक स्टार यहां पे करेंगे बट यार यारोनाशील्ड उनको बचा लेगी देखना पड़ेगा ऋतिक स्टार की तरफ से कितना नॉक यहां पे निकाला जाता है टीम हिंद की गाइज यहां पे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें नजर आ रही है बिकॉज दो प्लेयर्स बचे हुए जीरो किल खाते में बिल्कुल यहाँ पे पीछे हटेंगे आगे बढ़ेंगे किसको शिकार बनाएंगे कब तक डुअल सर्वाइव करेंगे बहुत ज्यादा सवाल होने वाले नाइन टीम अभी भी अलाइव है आठ से नौ मिनट यहाँ पर बिल्कुल हो चुके हैं कौन सी कौन सी टीम यहाँ पे पोचीनौक पे और भी आएगी कौन से मेहमान आएंगे वो भी एक सवाल होने वाला है टोटल गेमिंग का चांस यहाँ पे बहुत ज्यादा बन है पोचिनॉक के ऊपर आने का भाएव? टीम सोल बहुत ही ज्यादा अलग सिचुएशन में उसी। और टीम, ने किया। उसी यहाँ पे टीम सोल को पता चल चुका होगा सामने यहाँ पर क्या कोई टीम होने वाली है क्या कोई टीम यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड शेयर कर रही है, जी हाँ बात की जाए यहाँ पे तो बिल्कुल एक टीम यहाँ पे रहने वाली है टीम इलेट सामने राइट साइड यहाँ पे टीम नंबर नाइन स्टोन क्रेश होने वाले देखना पड़ेगा सबसे पहले किसको यहाँ पे अपना शिकार बनाएंगे टीम सोल का यह कारवा बिल्कुल आगे बढ़ेगा एक एक तरफ स्टोन एक तरफ स्टोन टीम एंड अब दोनों का स्प्रे पर झेलना होगा देखना पड़ेगा गाइस टोटल रैंकिंग भी हमारे सामने आ चुका है टीम इलिट की बात की जाए तो ये पहले स्थान के ऊपर होने वाली है गाइस तीन मैचेस में यहाँ पे हाफ सेंचुरी क्रॉस करके रखे सेंचुरी बिल्कुल होने के चांसेस इनके बनते हैं 57 सेवन पॉइंट सेकेंड पे यहाँ पे होने वाली प्रो नेशन विथ 37 पॉइंट्स की बात की जाए तो 36 पॉइंट इनके पास जरूर होने वाले गाइस अगर सपोर्ट अगर पर कम करना है सेकंड पोजीशन यहाँ पे छीननी है तो प्रो नेशन के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस सासिन आर्मी को यहाँ पे तय करना होगा टीम की बात की जाए तो थर्टी टू पॉइंट इनके भी पास होने वाले हैं इनको भी अब यहाँ पे एक अच्छा खासा फायर पावर दिखा के के ऊपर फोकस करना होगा पर फोकस करना पड़ेगा टीम लीड यार अभी भी जो 20 पॉइंट का डिफरेंस वो लगातार बनाकर रखा जाएगा प्रो नेशन लगातार पीछा पीछे यहाँ पर जो डिफरेंस है गाइस वो ज्यादा नहीं रहने वाला प्रो नेशन में टीम इन लगातार आगे बढ़ेगी सिर्फ एक मैच अच्छा खास गेम प्ले आप निकालते हैं अच्छे पॉइंट्स अगर निकाल कर जाते तो वो यहाँ पर लगातार आगे भी बढ़ पाएंगे बट फिलहाल यहां पर कहने के देखना पड़ेगा टीम सर कैसे लगातार सर्वाइव करेंगे पर एलिमिनेट हो चुके टोटल गेमिंग जीरो के साथ चारों प्लेयर्स को यहाँ पर बचा के रखे गाइस हमारा जो ऑलमोस्ट ग्यारह मिनट का जो गेम प्ले वो क्रॉस कर चुके हैं फिलहाल टीम्स रहने वाले थर्टी प्लेय वाल पर कहने बचे रहेंगे लैंडमैन लगा लीजिए फिलहाल देखना पड़ेगा वॉल्स कितनी ज्यादा वो यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे सामने ड्रॉप यहाँ पर कितने अच्छा उनको सामान प्रोवाइड करेगा वो भी यहाँ पर देखा जाएगा लगातार आगे बढ़ेंगे टीम आ जाएगी यार चौंटी क्या यहां पर अपने ड्रॉप से सेलिम्रेट हुआ बहुत बड़ा सवाल रहेगा बट कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा बट यहाँ पर लगातार आगे भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर फिलहाल ग्यारह नेट टीम मिलिट आइकॉनिक यार ये प्लेयर कहीं ना कहीं तबाही जो है वो लेकर आएगा इतने तो यार नहीं होंगे आइकॉनिक ने ग्यारह नेट लेकर पहाड़ी है के बाद एक टॉक को पनिशमेंट देगी लगातार पर लगातार गोलियां बीच ला जाएंगे चाहे वो यहाँ पर रश कर पाएंगे जी हाँ यहाँ पर देखना पड़ेगा जी ने यहाँ पर फिलहाल शील्ड ओपन कर ली गए आइकॉनिक लगातार आगे बढ़ेंगे जी यहाँ पर लगातार गोली चला वो यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे जी हाँ यहाँ पर आइकॉनिक जो है वो फनी अंदाज में जो है यार एक फ्रेंडली मोड दिखाएंगे और साथ ही साथ खेल यहाँ पर कंफर्म कर कर लेंगे तो को यहाँ पर फिनिश ऑफ देंगे दो प्लेयर्स यहाँ पर टीम सोल से बचे रहेंगे तो गाइस क्या लगता है यार कमेंट सेक्शन में टीम लीड क्या यहाँ से भूया निकाल के जा पाएंगे आपने अगर अभी तक भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया था जल्दी से लाइक करना चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाना साथ ही साथ सब्सक्राइब करके लेना तो फिलहाल गाइस तो यहाँ पर टीम इलिट फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बैठी हुई 20 पॉइंट का डिफरेंस है सर्वाइव करने का तो उनको यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा सेफली एक कंपाउंड अपने पास जो है वो लेकर रखा गया तो यार यहां पर पांच मिनट का गेम प्ले जो है वो गायस बचा हुआ ट्वेंटी सेवन प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहेंगे बट टोटल गेमिंग को एक पूरा का पूरा रोटेशन लेना पड़ेगा एंड सर्कल के अंदर क्या वो यहां पर पहुंच पाएंगे वो

जो भी बुया करेगा, उसको थर्ड पर एट फिर सेवन फिर सिक्स फाइव फोर थ्री ऐसे करके जो है वो टीम्स को पॉइंट मिलेंगे तो गाइस एक किल का सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर रहने वाला बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना पूरा करना आप लोग भी यार बहुत अच्छे प्रकार से सपोर्ट करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर देखना पड़ेगा लगातार जरा खोश पर बैठे हुए एंग्री यहाँ पर दो ही प्लेयर्स बचे सर्कल तो है टीम सोल के प्लेयर्स जो प्लेयर थोड़ा सा भटक चुके हैं थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आउट होकर खेल लेंगे कितना सर्वाइव कर पाएंगे आर्मी वर्सिस टीम इनके यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा स्मोक यार फैंस के पीछे बट आई थिंक रीतिक स्टार के ऊपर मुसीबतें लगातार बढ़ जाएगी बट जब पीछे से कोई प्लेयर उनके ऊपर गोलियां लगातार चलाएगा तो यार यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या वो यहाँ पर बच पाएंगे सर्कल के अंदर कौन सी टीम यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेगी एक के बाद एक नौ यहाँ पर निकालते हुए कहने के किशन एक लौते मेरे यहाँ पर बचे रहेंगे क्या टीम यहाँ नहीं नहीं पर बच पाएगी सर्वाइव करेंगे बट पूरा ट्राई यहां पर करते करते उनको यहां पर नॉक निकालना पड़ेगा नहीं तो प्लेयर्स जो है वो निकल जाएंगे यहां पर किशन एलिमिनेट हो जाएंगे टीम हिंद यहां पर बैक टू लॉबी जा चुके हैं देखा जाए तो आठ टीम यहां पर गाइस बचे रहने वाले मन को यहां पर एलिमिनेट कर देगा टोटल गेमिंग पहला किल निकालते निकालते है भी यहां पर पहलामिनेट हो जाएगी एक के बाद एक किल निकालने में यहां पर कोई भी गलती नहीं करेंगे टोटल गेमिंग दो किल के साथ लगातार यहां पर आगे बढ़ेंगी जी बिल्कुल फाइनली अपना खाता जरूर खोलेंगे बट खाता खोलते खोलते यहाँ पे एक और टीम इनके ऊपर रश करेगी स्टोन क्रशर ने माफिया को यहाँ पे ढूंढा गया जी गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं बाला भी नॉक हो जाएंगे डिलीट के ऊपर पे गेमिंग की कमान होने वाली है कहीं ना लेट करके रखे सर्कल में जाने के लिए कमाल की गेम प्ले स्टोन क्रशर की तरफ से देखने को मिलने वाले डिलीट भी यहाँ पे नॉक कर दिए गए फौजी यहाँ पे कब तक आगे बढ़ेंगे सोलो सर्वाइविंग करेंगे क्या वन बीफोर क्रश कर पाएंगे वो भी एक सवाल होने वाला है बट गाइज यहाँ पे चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन रहा है बिकॉज फौजी अजय यहाँ पे गेम प्ले तो बहुत

लगाएगा बिल्कुल फैंस को यहां पे बिल्कुल वेट होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है सिर्फ दो किल एंड सुपर टेन डबल डिजिट में यहां पे इनका किल मीटर चला जाएगा जी हां गाइस यहां पे सिर्फ आठ किल इनके पास है एंड अब यहां पे कितने सारे और किल बढ़ेंगे वो भी सवाल होगा जी हां गाइस माफ कीजिए यहां पे हर एक मैप में टीम एलीट के पास बहुत ही तगड़े किल से इस बार कितने किल होंगे किल इन्होंने ढूंढ के रखा है पहाड़ी फिर से एक बार स्नाइपर के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट सेफली यहां पे सर्कल के अंदर पोजिशन मिल जाएगा लास्ट सर्कल यहां पे बहुत ही करीब होने वाला है देखना पड़ेगा कब तक आगे बढ़ेंगे फाइनली एक दस वाकिली के साथ साथ सुपर टेन हो जाएंगे अकेले के दम पर पहाड़ी ने विथ स्नाइपर यहां पर पांच किल अपने टीम के खाते में जरूर जोड़ के रखे नौ ग्लू वॉल इनके पास होने वाली है चार ग्रेनेड्स यहां पे इनके पास जरूर होने वाली है एंड ग्रेनेड से याद आया आइकॉनिक को यहां पे हिल अप करना होगा रिवाइव देना होगा फाइनली यहां पे आइकॉनिक फिर से एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और अब यहां पे अपने तेरह ग्रेनेड के साथ बिल्कुल कहर डालने वाले थोड़ा सा नजदीक जाना होगा इन्हें सारी के सारे तेरह ग्रेनेड की बरसात जब यहाँ पे आइकॉनिक करेंगे देखना पड़ेगा कौन से प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हो पाते हैं यश के ऊपर यहाँ पे ग्रेनेड का थ्रो बिल्कुल किया गया था बट फाइनली आइकॉनिक भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे उनको रिवाइव देना क्या संभव रहेगा नहीं वो भी एक सवाल होने वाले फाइनली पे डैमेज डैमेज देने की कोशिश बट खुद भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे एंड फाइनली पे टीम नॉ एलिमिनेट हो जाएगी कमाल का गेम प्ले उनकी तरफ से यहां पे किया गया है बिल्कुल बाकी फिलहाल स्टोन क्रेशर चारों प्लेट जो है लाइव रहने वाले पांच किल ऑलरेडी अपने खाते में यहाँ पर जोड़कर रखने जाएंगे सर्वाइवर फोर या गाइस बची रहने वाले तो क्या यहाँ पर टू वी फोर निकाल पाएंगे जी यहाँ पर देखना पड़ेगा वैव लगातार आगे देखते देखते यहाँ पर सामने तो दो प्लेयर्स बचे हुए क्या वो यहाँ पर भूया निकाल पाएंगे अगर नहीं निकाल पाएंगे तो गाइस आपको यार जल्दी से जल्दी सपोर्ट करना सब्सक्राइब बिल्कुल पर करते रहे। कर दे। साथ एक प्लेयर जो बचे रहे क्या वो यहाँ पर गोल्ड लगा दो नौ कर दे। देखते देखते राजपूत लगातार यहाँ पर अपने खाते में लेंगे बहुत अच्छा गेम प्ले कही कहीं ना कहीं स्टोर कैशर राजपूत यहाँ पर बहुत अच्छा भूया यहां पर स्टोन के शर राजपूत पहले मैच के अंदर बहुत अच्छा सर्वाइव किया गया बट उसके बाद यार एक के बाद एक तबाही यहां पर मचाई गई भूया अपने टीम के लिए यहां पर निकाल लिया गया तो गाय से बहुत ही परफेक्टनेस जो है वो दिखाई गई लास्ट हेड में एक एंडिंग बहुत ही परफेक्ट की गई है जी बिल्कुल यार राजपूत की बात की जाए संजीव तो यार इसी मैप में जब पहली बार नजर आए थे यार सोलो सर्वाइविंग करते हुए नजर आए थे बहुत बार यहाँ पे सोलो सर्वाइव करते करते अपनी टीम को अच्छे खास प्लेसमेंट पॉइंट दिलाने की कोशिश कर रही थी बट इस बार यहां पे यार चारों के चारों प्लस कहीं ना कहीं कमाल करके गए एंड फाइनली एक भूया अपने नाम इन्होंने करके दिखाया प्लेसमेंट पॉइंट बहुत अच्छे खासे होने वाले किल्स भी इनके पास अच्छे खासे होने वाले बट किल्स यहाँ पे संजीव टीम इलिट के पास भी बहुत तगड़े थे दस किल सुपर टेन उनके ऑलमोस्ट हो चुके थे देखना पड़ेगा अब यहां पे, से, से पे आएंगे बहुत ही अब देखने के मिलेगा जब भी नेक्स्ट मैप आएगा टोटल रैंकिंग टेबल हमारे सामने आएगा तो टीम इलेट पहले स्थान के ऊपर बिल्कुल चमकते हुए नजर आएगी बट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे सेंचुरी के कितने ज्यादा वो यहाँ पर करीब होने वाले बहुत सारी टीम कब तक यार कम करके उनके करीब पहुंचती है जी हां यहां पर जो है वो पूरा का पूरा सपोर्ट देखना पड़ेगा बट फिलहाल यहां पर बात करें तो गाइस यहां पर हमारे चार मैचेस कंप्लीट हो चुके सिर्फ दो मैचेस और यहां पर बचे रहने वाले एक और बात बोलना चाहूंगा गाइस आज यहाँ से टॉप फोर टीम जो है वो क्वालिफाई होकर आगे सेमीफाइनल में जाने वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कॉन्स्टेबल मैंने आपको समझा दिया है एक खेल का सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा बट कहने की टीम्स लगातार तबाही मचा टीम लीड यार समझ सकते हैं एक किल से एक पॉइंट मिल रहा है और कितनी ज्यादा किल से पर टीम लीड निकाल रही है एंड कितने अच्छे पॉइंट्स वो लोग यहाँ पर निकाल कर जा रहे हैं बहुत मेहनत लगती है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ता है आगे बढ़ना पड़ता है स्ट्रैटेजी यहाँ पर भरपूर लगाने पड़ती है और एक गलती एंड पूरी की पूरी टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो सकती थी तो टीम लीड सोच समझ फाइट ले रही है एंड बाकी जो टीम्स है आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं यही अंतर रहता है यार जो बेस्ट गेम प्ले दिखाएगा जो एक बिना डर के खेलेगा वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन लेकर जाएगा तो फिलहाल देखना पड़ेगा टीम लीड कैसे लगातार आगे बढ़ेगा हमारा अगला मैपरगेट्री जो की यहाँ पर कितना अच्छा साबित रहेगा टीम इंड जाएगी ब्राजीला के ऊपर आई थिंक टीम लीड यहाँ पर जाएगी स्की लॉज के ऊपर आर्मी को भी देखना पड़ेगा सेंट्रल के ऊपर कितने अच्छी लूट करेंगे टीम सोल यहाँ पर क्वारी के ऊपर जाने वाले साथ ही साथ जितने भी यार बाकी टीम यहाँ पर बची रहेंगी वो कहां पर उतरेंगे एक बहुत बड़ा सवाल है ट्रोल गेमिंग आई थिंक यहाँ पर क्रॉस रोड पर एक अच्छी लूट करेंगे और साथ ही साथ उनके क्या कोई और टीम उतरेगी क्या यहाँ पर पहली फाइट हमको नजर आएगी जी बिल्कुल देखना पड़ेगा क्या वही अंदाज जो पिछले मैप में हमें नजर आए थे आइकॉनिक के क्या वही अंदाज फिर से एक बार नजर आएंगे बट इस बार यहां पे कहना कि 10 से 13 ग्रेनेड उनके पास थे बट यार फाइनली उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया लॉन्ग रेंज शूट आउट में गाइज यहाँ पे यार अगर वो फिनिश ऑफ नहीं होते तो आगे बढ़ के अपने तेरह के तेरह ग्रेनेड की बरसात बिल्कुल दिखा देते कमाल का सीन यहाँ पे क्रिएट हो होता देखना पड़ेगा यहाँ पे में पिछली बार बहुत ही अच्छे खास फ्रैक्स निकाले थे टीएजी को यहाँ पे यार एलिमिनेट करने की कोशिश की थी एक ग्रेनेड के साथ सिर्फ तो यार इस बार आइकॉनिक क्या ब्राजील के ऊपर फिर से एक बार अपना कमाल दिखाएंगे वो भी सवाल बहुत सारे होने वाले हैं है, हैशटैग पे कहना कि फैंस की तरफ से लग रहा है जी आपको हर एक टीम के यहाँ पे हैशटैग टैग लगाने फेवरेट टीम्स के हैशटैग लगा के सबसे पहले शेयर करो यार फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फेवरेट टीम का सपोर्ट दुगना यहाँ पे हो सके लाइक करो स्ट्रीम को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके इन सारी टूर्नामेंट की हर दिन आप समय पर पाते रहो आप वो पहले सपोर्टर बनो जो अपनी फेवरेट टीम को यहां पर सपोर्ट करने के लिए आए संजीव बात की जाए अब यहां सिर्फ दो मौके दिखने वाले हैं एंड अब देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहाँ पे इन मौकों पर चौके मारेगी छक्के मारेगी विकेट्स निकालेगी एन कब तक यहाँ पे अपना तगड़ा गेम प्ले दिखाती रहेगी जी हाँ यहाँ पर प्लेन पास जो है सिंपल है जब प्लेन होने वाले बट फिलहाल अगर बात करें ब्राजील के ऊपर टी एच यहाँ पर तो जाएगी टीम उनके साथ रहने वाले बट यहाँ पर खेल के देखना पड़ेगा रिकॉर्ड ही मैच के सभी गेमिंग क्या ब्राजील के ऊपर लैंड करेगी सर्वाइवर फोर लगातार आगे बढ़ते हुए कहीं <inaudible> ना टोटल गेमिंग आई थिंक यार

तीन ही प्लेयर्स बचे रहेंगे क्या डी एच पर बच पाएगी जी जी हाँ। यार मन के ऊपर लगातार गोले चला जा जाए हेडिस के पास यार कोई भी गन किशन लगातार आगे बढ़ेंगे डबल बैरल उनके पास है डबल बैरल से उनको क्या यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे डीवी के पास यहाँ पर एक्सएमए प्लस जो है फिलहाल लगातार आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही चली जाएंगे यार पहला गिल निकाला है तो टीएस को समझना पड़ेगा विवेक को यहाँ पर नॉक कर दे बाकी दोनों प्लेयर्स क्या यहाँ पर बच पाएंगे अभी जो कि घर के ऊपर चढ़े रहे हैं यहाँ पर डीवी के एक से बढ़कर एक हेड शॉट यहां पर नजर आ रहे तो देखना पड़ेगा लास्ट प्लेयर क्या वो यहां पर बच पाएंगे विवेक को भी खत्म कर दिया टीम इन लगातार यहां पर मचाएगी बट लास्ट प्लेयर को रिवाइव जो है वो दिया जा रहा है बट क्या वो यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे आई थिंक यार ऋतिक लगातार आगे बढ़ते हुए कहीं कहीं मुसीबतें लगातार बढ़ी गई देखते देखते चार खेल यहां पर अपने खाते में जोड़ लिया गया तो एक बहुत अच्छा गेम प्ले टीम इन दिखाते हुए जी बिल्कुल आगे भी बढ़ेंगे देखना पड़ेगा अब यहाँ पे चार के खाते में कब तक यहाँ पे इनका मीटर आगे बढ़ता रहता है टीम हिंद के पास गए चार्सल के तरफ से बहुत ही कमाल का गेम प्ले यार इनकी पूरी की पूरी टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है बट कोई टीम क्या यहाँ पे ग्राउंड शेयर करेगी कोई टीम यहाँ पे क्या आ पाएगी कोई टीम क्या यहाँ पे टीम हिंद के ऊपर रश कर पाएगी वो एक सवाल होने वाला है टोटल गेमिंग के चारों प्लेयर्स की बात की जाए तो यार एरिया होने वाला है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस रोड के करीब का एक प्लेयर को नॉक करके रखा है खाता इनका ऑलमोस्ट खुलने को कोई भी वहां पे नहीं है प्लेयर को रिवाइव देने के लिए अपना कहर अब फाइट में टीम सोल के साथ बिल्कुल यहां पे ढा रही है सामने बढ़ेगी टीम सोल के ऊपर यहाँ पे कब तक रश किया जाएगा वो भी एक सवाल होने वाला है जी डिलीट के हाथों तो में पे स्कार बिल्कुल चमक रहे हैं मिस्टर गेमर सामने होने वाले कब तक आगे बढ़ेंगे कब तक और भी नॉक निकालेंगे फौज जाए विद फमास यहां पे यार राइट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी जो भी प्लेयर यहां पे कवर ले रहे जो भी प्लेयर यहां पे फ्लैंक कर रहे हैं उनको भी यहां पे टीम सोल की तरफ से स्पॉट किया जाएगा डेली फिर से एक बार एक की एबिलिटी यूज करते हुए पीछे हटने की कोशिश करेंगे एंड यहां पे खुद को रिट्रीट भी किया जाएगा मेडिकेट्स यहाँ पे लगाई जाएगी फिर से एक बार किया जाएगा बट यार टोटल गेमिंग क्या यहाँ पे यार ये रिस्की फाइट ले रही है क्या इनके लिए ये रिस्क है? या बेनिफिट दिलाएगी यार सवाल पे सवाल बहुत ज्यादा मेरे मन में, में दौड़ रहा है बट आपको यहाँ पे सपोर्ट दुगना करना लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आईकॉन को ऑल पे सेट करके यार सपोर्ट को तो दुगना कर दो अपने टीम के हैश टैग यहाँ पे विथ हार्ट लगाओ हम भी देखना चाहेंगे किस टीम के ऊपर आप प्यार के बरसात कर रहे हो किस टीम का गेम प्ले यहां पर देखने के लिए आ रहे हो जी आपको यहाँ पे और भी सपोर्ट दुगना करना है डिलीट की बात की जाए तो थॉमसन के साथ यहाँ पे खेल कह रहे करीब होने वाले प्रीत वर्सेज डिलीट कौन किसको डिलीट करेगा यहाँ पे सवाल होने वाले ओ, बट, ओ, बट वो जो कवर देने वाले प्लेयर थे उनको सबसे पहले डिलीट यहाँ पे नॉक कर देंगे एंड सामने अब प्रीत यहाँ पे पी नाइनटी के साथ किस प्रकार से गेम दिखाएंगे वो भी एक सवाल होने वाला क्या लगता है संजीव थॉमसन वर्सेस पी नाइनटी देखना बढ़िया बट कहेंगे डिलीट या लगातार में आ जाएंगे हाँ यहाँ पर देखना बढ़िया शायद से रिवाइव मिलना इतना आसान रहेगा एक किल टोटल गेमिंग अपने खाते मुताल बट यहाँ पर तो लगातार जी हाँ यहाँ पर प्रीत को नॉकर दी और के लिए पर बाल अपने खाते मुताल डिलीट लगातार बचा लीड के ऊपर गोलियां यहाँ पर टीम लीड होने वाले कौन पर जीत कर आगे बढ़ेगा बट यहाँ पर पहाड़ी लगातार एक के बाद एक बैक स्टेप जो लेना चाहिए आरडी किलर एंड यहाँ पर पहाड़ी किस प्रकार से खेलने वाले है। वो यहाँ पर देखना, बड़े बड़े के देखना। यहां पर निकालने का पूरा पूरा ट्राई यहां, यहां पर पहाड़ी को नॉक कर फिनिश ऑफ कर देगा कि लौते प्लेयर यहाँ पर देगा। टीम इीड क्या सर्वाइव कर से बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहने वाला है कोई भी मौका इस बार नहीं देने वाला टीम इीड स्की और उसके ऊपर पहुंचे तो थे बट कहने के इस बार

कहीं ना कहीं तबाही मचाते हुए एंड पांच मिनट का गेम प्ले यहाँ पर हो चुका है अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो रनदीर लास्ट किल जो कंफर्म किया गया कहीं ना कहीं यार थर्टी सेवन प्लेस टेन टीम रहेंगे का एक ऐसा एरिया रहता है जहां पर एक लूट बहुत अच्छी खास रहते हैं फोर्थ हो गया फोर्थ में यार टीम्स को हम आसानी से ज्यादा ढूंढ पाते सामने कोई टीम आ गई कैसे में रोटेशन लेना है एंड आसान रहता है जो भी खुली जगह रहती है ना वहां पर पॉसिबल रहता है यार किसी भी टीम को आपको रोक पाओ एंड उनको डैमेज दे के नॉक निकाल पाओ बट यहां पर एलवीएल आइकॉनिक जरूर आगे बढ़ेगी तो देखा जाएगा खोइ यहाँ पर कितने अच्छे वेपन्स रहने वाले फिलहाल एम पी फोर्टी ए के लेकर लगातार आगे बढ़ते हुए जी यहाँ यहाँ पर चारो प्लेस हॉट जोन के तराजी उनके सामने एक और टीम रहने वाले देखना पड़ेगा यार टीम नंबर कैसे यहां पर सरवाइव कर पाएगा अच्छा खासा एरिया तो पकड़ के रखा हुआ बढ़कर स्टोन क्रशर आई थिंक यहां पर शायद से सरवाइव करेंगे और सरवाइव करने के साथ साथ एक नौक यहां पर निकाला जा चुके सामने यहाँ पर एस के गेमिंग, कोई भी मौका नहीं ऊपर लगातार गोलियां चलाई जा रही क्या वो यहाँ पर पाएंगे जी ने लगा है लेते हुए यहां से निकलना पड़ेगा एंड राजपूत को पनिशमेंट दे दी गई जो प्लेयर सर्वाइव करने में जिसको मास्टर है सर्वाइव करते हैं एंड ऑफ द सर्कल तक तो फिलहाल वैभव यहां पर गोलियां भी चलाएंगे देखना पड़ेगा फिलहाल क्या यहां पर कर पाएंगे वॉल साथ ही साथ अधिक प्लेयर जो बैट स्ट लेने का ट्राई करे सामने गेमिंग कर क्या उनको यहाँ पर शिकार करेगी जी हाँ वैप लगातार तो ट्राई करे गोलियां निकाल लेंगे एक नॉक निकालेंगे भारत दूसरे लगातार तबाही मचाएंगे कौन सी टीम यहाँ तबाँ� पर फंसेगी क्या वो गोलियां लगातार चलाए जाएंगे ड्यूकर एक के बाद एक स्टेप लेने में कोई भी गलती नहीं करने वाले स्लेयर प्लेयर अकेले यहाँ पर बच चुके क्या वो अपने टीम मेंबर को ज्वाइन कर पाएंगे पीछे से कॉप लेना बाज किसके लिए स्लेयर आई थिंक यार नाउ एंड फिनिश कर दी गेंड सेफली यहाँ पर वैभव एंड ड्यू कर जो जाएंगे कंपाउंड्स के अंदर तो वुडन हाउस यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा बट टोटल गेमिंग यार चार किल्स अपने खाते में उतार ली कोई भी गलती किए बिना सेफली थर्ड पार्टी करने का कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे वुडन आउस के अंदर टीम्स जो वो जा चुके हैं एलवे लाइकॉन कहते हैं यार फॉज को पर नॉक करके फौज अजय कोई भी गलती नहीं करेंगे ब्रेक के बाद एक स्नाइपर माफ किया यहाँ पर चला चलाते डिलीट नॉक भी करेंगे देखना पड़ेगा कितने नॉक निकलने वाले वीएसएफ लगातार चलाई जा रही वॉल्स यहाँ पर तोड़ दी जा रही है

चार पांच बुलेट आपने कनेक्ट कर दी प्लेयर ने यहाँ पे यार हार्ड कवर भी ले लिया तब भी डैमेज पड़ सकता है तब भी पे प्लेयर को आप नॉक कर सकते हो तो यार एक कमाल की वेपन पे वी बिल्कुल कही जा रही है विद 300 सीसी कितना ज्यादा स्पीड यहाँ पे दिखाएंगे कितनी ज्यादा मूव यहाँ पे दिखाएंगे कितनी ज्यादा हॉर्स पावर अब यहाँ पे इनकी तरफ से देखने को मिलती है हर एक सवाल का जवाब थोड़ी देर में देखने को मिलेगा सर्कल यहाँ पे कहा जाएगा जी जिया गाइस यहाँ पे हमें देखने को जरूर मिलने वाला है किसका फेवर करेगा क्या वो आर्मी के साथ जाएगा या फिर यहां पे ब्राजीलिया एंड ओपन एरिया के बीच में होने वाला नेक्स्ट सर्कल के अंदर होने वाली है नामी सर्कल के अंदर स्टोन क्रशर सर्कल के अंदर सिर्फ एक टीम सिर्फ एक सोलो सर्वाइवर यहां पे सर्कल के बाहर होने वाला है वो होने वाली यहां पे टीम सोल के अकेले प्लेयर माइंड गेमर बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा फिलहाल लगातार आगे बढ़ना चाहिए टोटल गेमिंग छह यार अपने खाते में यहाँ पर जोड़ ली गई यार चारों प्लेयर चलाए हुए हैं बहुत अच्छा फायदा मिलेगा मैन एडवांटेज यहाँ पर रहेगा बट कहीं ना कि यार हम लोग एक बार सर्कल जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे बट उससे पहले टोटल रैंकिंग जो है वो आज के टीम मिलिट सेवेंटी फाइव पॉइंट यहाँ पर रहने वाले कहीं ना कहीं यार थर्टी पॉइंट्स के डिफरेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके रखा होता है देखना पड़ेगा टीम मिलिट कितनी जल्दी सेंचुरी यहां पर क्रॉस कर पाएगी बट यार इस मैच के अंदर यहां पर एलिमिनेट हो गई सबसे पहले तो कहने के झटका तो लगा है बट यहां पर अभी भी फर्स्ट पोजिशन के ऊपर सर्वाइवर फोर फोर्टी थ्री पॉइंट उनके पास रहेंगे सैसेन आर्मी फोर्टी ट्री पॉइंट के साथ यहां पर लगातार सर्वाइव करेगी प्रोनेशन थर्टी सेवन पॉइंट उनके पास रहेंगे टीम इंडिया पर थर्टी पॉइंट के साथ हमको नजर आ जाएगी बट कहने के ड्यूकर के ऊपर लगातार सैक्न आर्मी जो है वो नेट थ्रो करने वाले बट यहां पर देखना पड़ेगा हमारे पॉइंट टेबल के हिसाब से तो टीम लीड एक बहुत अच्छा डिफरेंस है वो बनाकर रखा हुआ तो थर्टी टू पॉइंट कहीं नहीं गए हैं एंड नीचे से अगर सर्वाइवर फोरियम अगर बीस पॉइंट भी लेकर जाती है तो यहाँ पर टीम लीड अभी भी दस से बारह पॉइंट की लीड में जो है वो रहने वाली तो यहां पर देखना पड़ेगा टीम लीड किस प्रकार का सर्वाइव लास्ट जो मैच यहाँ पर बचेगा उसमें करेगी जी बिल्कुल गायस एंड आपको यहाँ पे सपोर्ट और भी दुगना करना होगा बात की जाए टोटल रैंकिंग की तो यार बॉटम की टीम यहाँ पे कहना कि रश गेम प्ले दिखाने की कोशिश कर रही है टीम सोल यहाँ पे आठवें स्थान से ऊपर आप आएगी भी या नहीं वो भी एक सवाल होने वाला है सोलो सर्वाइवर उनके यहाँ पे कहना कि सर्वाइव कर रहे हैं स्टोन क्रशर्स को आगे बढ़ना होगा तीस से ऊपर अपना पॉइंट यहाँ पे बढ़ाना होगा एंड फिर से एक बार यहाँ पे ड्यूकर देखना पड़ेगा किसकी खोपड़ी खोल पाएंगे सोलो सर्वाइवर यहाँ पे कहना कि सोलो सोलो प्लेयर यार यही होता है जब अकेले प्लेयर के ऊपर आप एक 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 करके रश करते तो उसको यहाँ पे यार नॉक करने का मौका और भी ज्यादा मिल जाता है स्टीव यहां प्लेयर नॉक थे उनको रिवाज दिया गया वो यहाँ पे फिर से एक बार रश करने की कोशिश करेंगे रिरोड की जा रही है गन को यहाँ पे ड्यू पर फिर से एक बार अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करेंगे बट देखना पड़ेगा नौवे स्थान के ऊपर यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो जाएंगे जी हाँ बिल्कुल सस्य आर्मी के खाते में एक और किला आ जाएगा बट जाते जाते यहाँ पे

With यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट आउट करके गाइस थोड़ी देर पहले गेमिंग को हमने देखा था कह डा रही थी प्रो नेशन उनके ऊपर एक के लिए उन्होंने कंफर्म किया था बट यार बहुत ही लंबा रोटेशन उन्होंने लिया अभी भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है अभी भी यहाँ पे एक दूसरे को रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है बट यार फॉर्मेशन

अब यहाँ पे सर्कल के अंदर आने की कोशिश करेगी बट एक ही टीम का सर्कल का सेंटर यहां से पर ले सकते देखना पड़ेगा कौन सी टीम पट आइकॉनिक के आमने सामने आती है फाइनली एक कमाल का गेम प्ले यहां पे चल रहा है चलता है फिर से एक बार फाइट की तरफ देखते हैं क्या कुछ यहां पे फाइट के दौरान हो रहा है जी प्रो नेशन एक कमाल का गेम प्ले यहां पर दिखाते हुए दूसरा खिल अपने नाम जरूर कर लेगी बट देखना पड़ेगा यार ये

देखना पड़ेगा बट फिलहाल यहाँ पर स्नाइपर वो मिल स्पय पर लेवल क्या वेस्ट यहाँ पर रह गए तो सेफली आगे बढ़ेंगे सर्कल के अंदर ऑलरेडी एक टीम यहां पर सेट होकर बैठी रहेगी तो फिलहाल देखना पड़ेगा कैसे यार ये चारों प्लेयर जो व्हाइट निंजर ड्रेसअप करके तो आए है चारों प्लेयर्स से यहाँ पर सेम ड्रेस के साथ आगे बढ़ेंगे जी हाँ यहाँ पर गोली गोले चलाते साथ एक प्लेट स्पॉट किया जाएगा यहाँ पर एक नॉक निकाला गया क्या वो यहां पर किल कट कर पाएंगे एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकाल दिया किल यहाँ पर ले लिया गया दो प्लेयर्स को यहाँ पर लिटरली देखा जाए तो आठ के लिए यहाँ पर टोटल गेमिंग ने निकाली फिलहाल आगे बढ़ेगी पर, पर सर्वाइव कर पाएंगे आप हमेशा आपको जो वो फायर पावर है ना वो काम नहीं है कभी कभी आपको माइंड से भी काम लेना पड़ेगा आपने देखा टोटल गेमिंग से फिर उन्होंने क्या करा एक प्लेयर को पकड़ा एक साथ यहाँ पर कॉल दी यार अभी हमें गोली चलाने जैसी गोली चलाई नॉक हुआ फिनिश भी उसी टाइम पे कर देगा तो यार ऐसी रणनीति आपको अपने गेम प्ले में अपनानी पड़ेगी क्योंकि यार आज के टाइम में हर टीम यार गोलियां तो हर कोई चला देता है बट सेफली उसको यार चलाना कैसे कब आगे बढ़ना है तो फिलहाल वो देखा जाएगा बाला के ऊपर लगातार गोले चलाते हुए यहां पर शायद से उनको बचना भी पड़ेगा तो सेफली आगे भी बढ़ेंगे देखते देखते यहां पर बाला के जो एक है वो लिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या वो गोले चलाएंगे फाइनली यहां पर रोमन को खत्म कर दिया टोटल गेमिंग नाइन किल्स से यहां पर अपने खाते में छह टीम यहाँ पर अभी भी बची रहेंगी बवाल लिटरली बवाल यहां पे मचा रही है गेमिंग, नौ इनके पास है, सिर्फ एक किल एंड सुपर टेन यहाँ पे हो सकता है राइट साइड से फ्लैंक लेने का ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय इनकी तरफ से लिया जा रहा है देखना पड़ेगा कब तक इनके बेनिफिट के लिए काम आता है राइट साइड से अगर फ्लैंक करेगी तो आइकॉनिक की टीम यहाँ पे उनको जरूर पकड़ लेगी देखना पड़ेगा यहाँ पे आइकॉनिक की टीम टोटल गेमिंग के इस भारी भरकम फायर पावर का किस प्रकार से गेट कीपिंग करती है किस प्रकार से उनको यहां पे डोमिनेट करती है टोटल गेमिंग वर्सेस आइकॉनिक एक तरफ ऐसी टीम जिनके पास पे सर्कल का एडवांटेज है दूसरी तरफ ऐसी टीम जो एक कमाल का फायर पावर यहां पर इस मैप में दिखा रही है देखना पड़ेगा पे क्या सुपर टेन हो जाएंगे क्या इनको यहां यार छठे स्थान के ऊपर एलिमिनेट किया जाएगा सवाल बहुत सारे होने वाले गाइस यहाँ पे कहना की मुसीबतें टोटल गेमिंग के ऊपर बढ़ने वाली है माफिया को यहाँ पे नॉक किया गया राइट साइड से अगर फ्लैंग करते हैं तो बिल्कुल सासिन आर्मी राइट साइड बिल्कुल उन्होंने

यहाँ पे लगाया जा चुका है फाइनली स्मोकी को भी ढूंढा जाएगा आइकॉनिक जो अब तक यहां पे बहुत सारी टीम का गेटकीपिंग कर रही थी अब उनको यहां पे यार एक टीम का गेट कीपिंग सहना होगा सर्वाइवर्स यहां पे कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है सर्कल के बहुत करीब एंड अब यहां पे बहुत ही तगड़ी आईक्यू लेवल का इस्तेमाल किया जा रहा है जी गाइस आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे यार यूएवी लाइट छोड़ी गई थी ताकि सभी प्लेस की लोकेशन यहाँ पे रिवील हो जाए आगे जाने का यहाँ पे रास्ता हो जा जाएगा एंग्री को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज देके रखा है देखना पड़ेगा कब तक हिलअप करेंगे कब तक तो आगे बढ़ेंगे एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आइकॉनिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होने वाला है क्या लगता है संजीव तीन टीम सर्वाइवर्स आइकॉनिक आइकोनिक एन एक टीम की यहाँ पे एंट्री होने वाली किसके खाते में भूया जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है

यहाँ पर टीम इन चाहे वो बूया अपने नाम करके चली जाएगी और देखते ही देखते यहां पर कहने की एक बहुत अच्छा गेम प्ले टीवी यहाँ पर एमवीपी रहने वाला टीम इन फाइनली यार बहुत अच्छे प्रकार का कम बैक यहाँ पर दिखा दी चली जाएगी तरह तो तो बहुत अच्छे अच्छे खास बूया से हमको नजर आ रहा है और साथ टीम्स का जो गेम प्ले है वो बहुत ही ज्यादा निराला सा होता ही जा रहा है यहां पर लास्ट मैच है वो प्रसाद वो यहां पर कहने के बचा रहेगा वो हमारा कालाहारी मैप होने वाले गाय अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए And share करके अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला कर रही है बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपने गेम प्ले में अप्लाई कर पाएंगे और सेट साथ 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 कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट मैच बचा हुआ है जल्दी से जल्दी यहाँ पर देखना पड़ेगा लास्ट मैच के अंदर कौन सी टीम तबाही मचाएगी और फिलहाल रिजल्ट में वो कौन सी चार टीमें होंगी जो यहाँ से क्वालिफाई होकर सेमीफाइनल में जाएंगी जी बिल्कुल एक आखिरी मौका आपके पास भी होने वाला एक आखिरी मौका टीम्स के पास भी होने वाला हो है आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है टीम को एंड उनके हैश टैग विथ हार्ट यहाँ पे लगाने जी देखना पड़ेगा अब यहाँ पे आखिरी मौके पे कौन सी टीम चौका मारेगी कौन सी टीम यहाँ पे कम कर पाएगी सैसे आमी का एक कम

मैटर नहीं करते कि यार वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाए या नहीं लेकर जाए बट यार इतना तो श्योर करना पड़ेगा कि यार टॉप थ्री में प्लेसमेंट पॉइंट लाइक थर्ड पोजीशन पोजिशन है फोर्थ पोजीशन की जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो लेकर जाए एंड किल पॉइंट यार चौदह चौदह किल यहाँ पर निकाली जा रही है गेम में कोई आसान बात नहीं रहती गाइस यार इतने ज्यादा किल्स निकालना तीन टीम साढ़े तीन टीम्स को वाइप आउट करना कोई आसान बात नहीं है आप लोग यार एक टीम को वाइप आउट कर लेते हैं टीम्स इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि यार चार किल हमारे पास आ चुके हैं हमें सिर्फ एक और टीम को वाइप आउट करना है भूया अगर निकाल लेते हैं अच्छे खासे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे बट टीम लीड थोड़ा सा उल्टा से उसे जितने भी टीम्स उनके रास्ते में आती है ना उनको यार थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया चलो यार लो, आप लोग आप जाइए बैक टू लॉबी अब यहाँ पर हम जो वो आगे बढ़ेंगे हमें चाहिए किल पॉइंट तो फिलहाल लास्ट मैच गाय पर स्टार्ट हो चुका है तो आज देखना पड़ेगा हमारा ई स्पोर्ट क्वालिफा ग्रुप बी में से कौन सी हो चार टीमों की जो यहाँ से क्वालिफाई होकर आगे जाएंगे तो हॉट जोन यहाँ पर बन चुका है बेफ्रंट के ऊपर तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कितनी टीम्स एंड देखा जाए तो फिलहाल एच यहाँ पर उतरने वाली टीम इन यहाँ पर उतरेगी बट कहीं कही ना कहीं स्टोन कशर कमांड पोस्ट के पट्रोल गेमिंग सेंटर यहाँ पर सर्वाइवर फोरियम दस के ऊपर हैप्पी प्रिंस फाउंडेशन टीम सोल ओडन आई एलबीएल आइकॉनिक श्राइन एंड यहाँ पर हमारे आर्मी दमेश के ऊपर नजर आ जाएगी लीड काउंसिल हॉल के ऊपर नजर आने होता है तर। यहां पर हरे टीम जो लगातार उतरी तो है बट स्टार्टिंग फाइट किसके साथ हमको नजर आ पाएगी वो देखना पड़ेगा आरडीपी यहाँ लगा पर लगातार जहाँ लूट करना नचाएंगे आइकॉनिक क्या थोड़ा सा दूर हटकर उतरते हैं थोड़ा सा स्प्रेड आउट होने की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा काम आती है जल्दी जल्दी लूट भी कर पाते हैं जितनी ज्यादा गन्स हो पाए लाइक like, अच्छी गन्स मिलने के चांसेस रहते हैं अच्छे नेट यहाँ पर मिल जाते हैं वॉल्स कहीं ना कहीं मिल पाती वेस्ट हेलमेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर किलर लगातार लूट करेंगे फिलहाल वेपन चेंज करी जा रही है डबल बैरल यहाँ पर प्लाज्मा अच्छे प्रकार से उठा ली गई आगे भी बढ़ेंगे जी हाँ लेकिन टीएस की जो फाइट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली थी बेफ्रंट के ऊपर एक और टीम ने जो है वो दस्तक दी है तो यार कैसे वो यहाँ पर फाइट्स को खत्म करेंगे कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ने वाली वो यहां पर देखा जाएगा जी बिल्कुल गाइस हार्ट टी जोन के ऊपर यहां पे लूट करने की कोशिश टीएस ने बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से करने की कोशिश की थी बट यार टीम हिंद भी यहाँ पे हार्टीएस जोन की लूट शेयर करेगी एंड मेडिकेट्स की कमी साफ साफ दोनों के पास नजर आएगी जी गाइस जो जो प्लेयर्स यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दू हार्ट टीएस जोन के बारे में क्या आपने ये बात नोटिस की है कि यार इस जोन में यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाती है गन्स यहाँ पे बहुत अच्छे खासे होते हैं यार अटैचमेंट्स भी बहुत तगड़ी मिलती है बट यार कहीं ना कहीं मेडिकेट्स की कमी साफ साफ नजर आती है टीएस यहाँ पे टीम हिंद के पास किस प्रकार

यहाँ रश कर सकते हैं गाइस बात की जाए रश की तो टीम ही इनके पास अच्छे खासे ग्रेनेड्स होने चाहिए अगर ग्रेनेड नहीं है तो रश करने के लिए फ्लैंक यहाँ पे रहना होगा एंड धीरे धीरे करके बिल्कुल यहाँ पे चीते की रफ्तार के साथ फ्लैंक करना होगा अगर टी को भनक भी लगती है कि कोई टीम अपने ऊपर पंगा ले रही है कोई टीम अपने ऊपर रश कर रही है तो वो यहाँ पे यार अपना फायर पावर दिखा के

स्टार एम के साथ स्नाइपर टावर के ऊपर होने वाले बट टोटल गेमिंग के ऊपर एक नजर जरूर डाल लेंगे जी गाइस स्प्रेड आउट डालेंगे खेलने की कोशिश कर रहे हैं दो दो के ग्रुप में बांटे जा चुके हैं ताकि लूट यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाए आपको बता दे सेंता कहते चारों प्लेयर्स के लिए सफिशियंट लूट नहीं होती है तो कही ना कि दो प्लेयर्स को आगे भेज सकते हो आप एंड आगे जाके वो दो प्लेयर पड़ापट लूट करेंगे एंड सबसे पहले अपनी टीम को यूनाइट हो जाएंगे टीम

अब देखना पड़ेगा बट हेपीनेस दिखा गोलियां चला रहे बट यहां पर क्या कव फायर मिल पाएगा वो यहां पर देखना पड़ेगा आजाद लगातार आगे बढ़ेंगे जी हां यहां पर जो टीम सोल के प्लेयर है वो लगातार ऊपर जा चुके हैं तो फिलहाल यहाँ पर रोमन क्या उनको यहां पर संभालना पड़ेगा बट कहने की गोलियां जो है वो लगातार चलाई जाएगी टीम जाए। सोल के प्लेयर्स को यहां पर आगे बढ़ना पड़ेगा वॉल्स यहाँ पर लगा दिए सेफली आजाद यहां पर जो कवर फायर देना चाहेंगे यहां पर रणधीर को नॉक कर कर बाद खेल यहां पर कंफर्म पाएंगे वो यहां पर कहने के देखा जाएगा बट ऊपर जो प्लेयर है यार बहुत ही ज्यादा लो एचपी में कहीं निकोड़े गए बट एक के बाद एक नॉक यहां पर निकाल दे क्या वो यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे रिवाइव या पूरा का पूरा देने का कर ट्राई करेंगे से टीम सोल की एंट्री यहाँ पर उसके बाकी के प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर आज के फिलहाल रोमन बहुत ही ज्यादा लो एचपी में रहेंगे बट उजैफ आई यार yeah, ट्राई करना पड़ेगा बट क्या वो यहाँ पर नॉक कर think, yeah, बहुत ज्यादा डैमेज

जो है वो बनाया जाएगा टीम सोल एक और नॉक यहां पर निकालते हुए यहां पर आगे बढ़ेंगे पर उनके पास है वेक्टर यहां पर रहने वाले उस के उस जैफ का कंफर्म किया जाएगा और देखते देखते यार जो लास्ट प्लेयर यहाँ पर बचे हुए हैं क्या वो यहां से बच बचकर निकल पाएंगे जांच के ऊपर मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगे प्लेयर बचे हुए प्रीति यहां पर लगातार गोलियां तो चलाएंगे के यहाँ पर फाइनल के लिए जाएगा चार खेल टीम सोल अपने खाते में यहाँ पर उतार लेगी जी बिल्कुल यहाँ पे प्रीत की जो M10 है थोड़ी देर पहले का वो सीन आपने देखा होगा वो रिलोडिंग को लग गई थी वो नॉक होने की कगार पे थे बट एक कमाल का कवर फायर उनके टीममेट ने उनको दिया प्रीत की जान भी बचाई आने भी अपने खाते में जोड़ दिया दूसरी तरफ बात की जाए तो सवा बस हर्ष यहाँ पे M40 के साथ आएंगे एक टीम के साथ यहाँ पे पंगाले सामने यहाँ पे कौन सी टीम होने वाली वो भी देखा जाएगा बट कहीं ना कहीं सौवावेश उसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा गेम प्ले दिखाना होगा एलेक्स का पोजिशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है प्रो नेशन के साथ यहाँ पे सौभाविस पंगा जरूर लेंगे रिफाइनरी का एरिया होने वाला है ड्रोन यहां से बहुत करीब से गुजर चुका था कहना कि वो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स की लोकेशन रिवील कर देगा सोफा पे आगे बढ़ते हुए कहना कि देखना पड़ेगा गोल्डन की तरफ से कितने सारे गोल्डन नॉक्स यहाँ पे निकाले जाते हैं फाइनली एक अगर शॉट कनेक्ट होता तो एक प्लेयर यहाँ पे नॉक जरूर हो जाता है एलेक्स को खो दिया है गोल्डन यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज रहेंगे पीचर होगा एंड हिलअप खुद को करना होगा हर्ष एंड यश की जोड़ी कितना आगे बढ़ेगी कितना रश करेगी कितने किल निकालेगी वो भी एक सवाल होने है। watch, यहां पर आपको चैनल का हिस्सा बनने का नोटिफिकेशन आईकॉन को और पे भी सेट करने का जिया गाइज यहाँ पेटैग बहुत ज्यादा जय महाराष्ट्र के लग रहे कहीं ना कहीं टीएजी को यहाँ पे सबसे तगड़ा सपोर्ट आने की बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं रहे कोई भी कसर यहाँ पे फैंस नहीं रहे जिया गाइज आपको

शानदार कोशिश तो कर रहा है बट गोल्डन को अब यहाँ पे रिवाइव देना बिल्कुल असंभव हो जाएगा फिनिश ऑफ हो जाएंगे दो प्लेयर सर्वाइवर्स की कमान यहाँ पे संभालेंगे पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे सवाल पे सवाल बहुत ज्यादा होने वाले बिकॉज दोनों टीम की तरफ से यहाँ पे कहना है डूएल सर्वाइवर नजर आ रहे हैं दोनों टीम को पता चल चुका होगा कि डुअल सर्वाइवर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कुछ भी रिस्क यहाँ पे यार अपने टीम के लिए बिल्कुल हम उठा सकते थे। तो क्यों ना को छोड़ दिया जाए जाए रिट्रीट किया एंड सर्वाइवर करते करते अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट अपने टीम को यहाँ पे देने की कोशिश करें टोटल गेमिंग की बात की जाए तो सामने टीएजी होने वाली क्या लगता है संजू इस बार दोनों बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली टीम एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ पहुंची है लगातार जो देख रहे हैं करने का ट्राई कर, कर रहे हैं सामने कितने प्लेयर्स यहां पर रहेंगे टोटल रैंकिंग यहां पर आज के टीम 75 पॉइंट्स सेवेंटी फाइव गाइस एक चीज एक और बार नोटिस कर सकते हैं टोटल 44 किल पॉइंट टी मिलीट के पास बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां पर किल पॉइंट के अंदर जो है वो बना कर रखा है उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी सर्वाइवर 4M 57 पॉइंट्स के साथ हमको नजर आ गई तो सैसिन आर्मी यहां पर 54 पॉइंट्स उनके पास भी रहेंगे तो गाइस यहाँ पर लास्ट मैच होने वाला टीम इन एंड यहाँ पर हमें टोटल गेमिंग यार कैसे करेगी आगे बट की ये जो छह पॉइंट का डिफरेंस है फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन की टीम में यार टोटल गेमिंग को एक अच्छा गेम प्ले पर निकालना पड़ेगा भूगिया अगर करते तो ही यहाँ पर टॉप फोर के अंदर आ पाएंगे तो गाइस मैं आपको फिर से एक और बार बता देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर टॉप फोर टीम जो है वो क्वालिफाई होकर सेमीफाइनल में जाने वाले तो यार

बिल्कुल झेल है एक प्लेयर यहाँ पे नॉक कर दिया जाएंगे देखना पड़ेगा यहाँ पे खाता खुलने वाला है टोटल गेमिंग का फाइनली एक किल अपने खाते में बहुत ही अच्छा ऊपर एक प्लेयर होने वाले पे ना स्प्रे शुरू हो चुका है नॉक यहाँ पे कब तक होता है दो किल्स खाते में चारों प्लेयर्स अलाइव टोटल गेमिंग फिर से एक बार अपने अंदाज में नजर आ रही है बट इस बार गाइस थोड़ा सा यहाँ पे टोटल गेमिंग को बचना होगा टीम मिलिट की एंट्री यहां पे हो चुकी है भले ही तीन प्लेयर्स के साथ खेल रहे बट जिस प्रकार से इनके अंदाज नजर आ रहे हैं ये रश पे रश गेम प्ले खेलना चाहते हैं देखना पड़ेगा किलर आरडीपी एन आइकोनिक के ये तिगड़ी क्या टोटल गेमिंग का काम बिगाड़ेगी या यहाँ पे खुद का ही काम बिगाड़ के फिनिश ऑफ हो जाएगी जी हाई देखना पड़ेगा टीम इलिट की तरफ से आइकॉनिक फिर से एक बार ग्रेनेड मास्टर क्या बनेंगे क्या इनके ग्रेनेड किसी प्लेयर को नॉक कर पाएंगे फाइनली तीनों चारों प्लेयर्स एक दूसरे के बहुत करीब होने वाले हैं। ये ग्रेनेड अगर कनेक्ट होता है बहुत ही शानदार तरीके से तो बिल्कुल एक से दो नॉक यहाँ फोड़ने की कोशिश की जा रही है, है, है। टोटल गेमिंग यहाँ पे यूनाइट होके खेलने की कोशिश करिए देखना पड़ेगा यहाँ पे टीम वर्सेस टोटल गेमिंग गाइस आपको हैशटैग लगाना है आपको लाइक सब्सक्राइब करना आपको यहाँ पे अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करना है बस यहां पर यार दिखा रहा है आपका प्यारा सपोर्ट टोटल गेमिंग या टीम एलिट यहां पे कौन सी टीम यहां से जीतने वाली है वो भी आपको यहां पे हैशटैग लगा के बताना है जी जी कैसे आपको यहाँ पे सपोर्ट दुगना करना होगा टोटल गेमिंग टीम एलिट फिर से एक बार फाइट में इन्वॉल्व होते हुए एक प्लेयर यहाँ पे पीछे भागने की कोशिश कर रहे है। क्या लगता है संजीव ये स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा अच्छी थी खबर बिल्कुल भी काम नहीं आ गया आरडीपी कोई भी मौका यहाँ पर नहीं देने वाला टीम इीड यहां पर लगा दो दो अपने खाते में किलर पर हैंड से ट्राई करेंगे यार क्या वो नॉक निकाल पाएंगे बट कहने के यहाँ पर एक झटका जो है वो दे देगा टीम लीड के किलर को यहां पर नॉक एंड फिनिश करने का ट्राई करेंगे बट करेंगे यार आगा। यार आगा। गया आ क्या वो यहां पर हील कर पाएंगे डिलीट लगा दैप देखे पर निकाल ले आरडीपी जो की लास्ट पर बचे बट कहने के क्या माफिया यहां पर पॉसिबल कर पाएंगे वो भी यहां पर

बैठी हुई यार 53 पॉइंट्स उनके पास रहेंगे और देखा जाए तो यहां पर हमारी टोटल गेमिंग 47 पॉइंट्स हैं तो यार छह पॉइंट का डिफरेंस आई थिंक यार टीम इनको क्या पीछे कर पाएगी टोटल गेमिंग तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट पूरा का पूरा बनाए रखना ले अभी तक शेयर नहीं किया तो स्ट्रीम को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाइए गाइस ये फाइनल मैच यहाँ पर चल रहा है कौन सी हो चार टीम होगी जो यहाँ से होकर आगे जाएंगे तो जल्दी से लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा लगातार चारों प्लेयर्स यहां पर अलाइव रहेंगे दो खेल्स ऑलरेडी यहां पर निकाल निकालकर रखी हुई यार। एक यार। एक प्ले जो है वो जाने वाला स्ट्रेटेजी किस प्रकार से काम कर पाएगी छत के ऊपर एक प्लेय जो रहने वाला है आईक्यू लेवल यहां पर क्या काम कर पाएगा बट फिलहाल एस स्टीव लगातार ट्राई करे क्या वो यहां पर नॉक कर पाएंगे ऊपर स्टोन क्रेशर वैबो को क्या यहां पर खबर है या नहीं है वो भी पता चलेगा बट आई थिंक वैब को यहाँ पर ऑफ कर देगा नॉक यहां पर निकाला जा चुका था स्टीव बहुत ही चालाकी से यहां पर जंप एंड शूट के साथ किल करेंगे और देखते देखते यहाँ पर एक और बार गोले चलाए जा रही नीचे टीम सोल के दो प्लेयर्स फंसे रहेंगे सर्कल में कैसे आ पाएंगे वो यहां पर देखा जाएगा बट आई थिंक एस आर्मी इस बार कोई मौका नहीं देगी जी बिल्कुल देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कुछ कर पाएगा एस एस एन तीन खेल इनके खाते में होने वाले बहुत सारी टीम्स यहाँ पे ग्राउंड शेयर कर रही है कब तक यहाँ पे शिकार बनाते हैं बहुत सारी टीम्स को एंड चौथा खेल और भी यहाँ पे इनके खाते में आ जाएगा अकेले प्लेयर को यहाँ पे ढूंढा गया था जिप्लाइन का यूज करके जा रहे हैं कमाल का एक्यूरेसी के साथ स्प्रे लगाया चौथा खेल अपने खाते में यहाँ पे बना लिया बट सर्कल का सायरन यहाँ पे बच चुका है आगे बढ़ना होगा एंड सर्कल में पोजिशन बनानी होगी

बिल्कुल एक यूएवी लाइट बिल्कुल छोड़ देंगे आन इसी के बदौलत यहां पे हर एक टीम की लोकेशन इनको पता चल जाएगी फाइनली आगे जाने का रास्ता यहां पे तय किया जाएगा राजा की एफ एफ टू बी क्या किसी को यहाँ पे ढूंढ पाए कि वो भी एक सवाल होने वाला है M2B के साथ साथ यहाँ पे माल का अनोखा कॉम्बिनेशन लेके खेल रहे बहुत ही तो अहम होने वाला है एस के समीर गेमिंग के लिए अगर सर्कल के अंदर सेफली आते तो ये प्लेयर बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन सकता है समीर को यहाँ पे रोकना होगा अंदर आने के लिए बिल्कुल एम सेवन नाइन लेके अगर अंदर आएंगे तो बहुत सारे टीम के ऊपर

यहां पे बिल्कुल बचाने की कोशिश की जा रही है ऊपर जो असासी के संजीव अकेले प्लेयर है वो अपने प्लेयर को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं किल के ऊपर किल कर रहे हैं सिर्फ दो किल अपने सुपर किलोमी दूर होने वाली है जी आठ किलहा पर देखना पड़ेगा पड़े यार इकलौता प्लेयर जो क्या यहां पर मचा पाएगा बट फिलहाल कहीं ना कहीं लास्ट किल यहां पर कंफर्म करेंगे और देखते देखते यहां पर असैसिन आर्मी एक बहुत ही शानदार प्रकार से

जो चार के नाम है ना वो आप लोग ही पर बताओगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए कौन सी वो फर्स्ट पे आएगी कौन सेकंड पे कौन थर्ड पे कौन फोर्थ पर रहने वाले तो हम लोग यार आपके कमेंट वो लगातार यहाँ पर देखते रहेंगे जी बिल्कुल गाइस कभी कभी आपके प्रेडिक्शंस बहुत ही तगड़े तरीके से मैच कर जाते हैं यार आपको यहाँ पे अपने मैथमेटिक्स माइंड को एक्टिव करना होगा कैलकुलेशन करने होंगे एंड हमें बताते रहिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी टीम यहाँ पे स्टैंड करने वाली है टॉप फोर टीम वो कौन सी रहेगी वो नेक्स्ट मैप में नेक्स्ट राउंड में पे क्वालिफाई करके आगे जाएगी जी सवाल आपके सामने बिल्कुल खड़ा है बस आपको पे इनके जवाब कमेंट सेक्शन में स्पैम करने पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आप ही का होने वाला है बस हम देखेंगे कि, कि किसका प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे मैच करेगा बट यार भटिया बात की जाए हर एक टीम की तो हर एक टीम यहाँ पे मचाते हुए चली गई थी हर एक मैप में यहाँ पे कमाल का गेम प्ले हमें देखने को मिलने वाला था तो क्यों ना एक नजर डाल लेते यार मैप्स के ऊपर कौन से मैप में यहां पे कौन से टीम ने अपने नाम बुया किया था पहला मैप बमुडा जो स्टडी वाला मैप होता है जहां पर टीम यहां पे स्टडी करती है एक टीम आगे आई एंड एक बुया कमाल का अपने नाम करके गई टीम हिंद जो पहला बूया अपने नाम करके गई थी के मैप में एक और टीम सामने आई टीम एलिट कमाल का फ्रैग यहाँ पे निकाल के एक अच्छे के साथ एक बुआया अपने नाम करते हुए नजर आई थी फैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे कलारी का मैप जब भी आया यहाँ पे एक और टीम अपना नाम कमा के गई सवास फोर एम तीसरा बुआया अपने नाम करके गई बबुड़ा संजीव यार यहाँ पे एक और टीम बेहतरीन कमाल का गेम प्ले दिखा रही थी था वहां पर टीम या। अपने गाड़े और साथ ही साथ मैच जहां पर सैसे आर्मी बहुत ही अच्छे प्रकार से भूया निकाल कर तो गए थे बहुत अच्छे खाते भूया वो टीम्स की तरफ से हमको यहाँ पर नजर आता है हरे टीम ने लगातार यहां पर मचाया बट कहीं ना कहीं यार इंतजार रहने तो है कौन सी वो चार टीम्स होंगी जो गाइस यहां से होकर आखिरी अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा तब तक तो हम लोग यार हाइलाइट्स देखेंगे हाइलाइट्स में कौन कौन से टीम्स ने तबाही मचाई तहस तह से सबसे पहले आइकॉनिक नेट हो बिल्कुल भी हम लोग यार भूल नहीं सकते कि बाद एक नेट यहाँ पर थ्रो के उसके बाद टीम इनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई दो प्लेयर्स को वो यहाँ पर लेट हुए और साथ ही साथ यार टीम लेट का एक बहुत अच्छा जो खेल्स वाला गेम था वो यहाँ पर कहने के हमको नजर आ उसके बाद यहाँ पर आइकॉनिक का दो प्लेयर टीएस यहाँ पर एलिमिनेट हो गई यार बहुत अच्छा थ्रो किया परफेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करने के साथ साथ टीम लीड लगातार मचा रहे थे बहुत अच्छे प्रकार से चलाते हैं किलियर यहाँ पर अपना किल कंफर्म किया गया और उसी के साथ ट्राई करते हुए साथ ही साथ नेट पे नेट यहाँ पर थ्रो किया तो करते हुए पहला नॉक यहां पर निकाला उसके बाद जो एक और प्लेट थे उनको भी यहाँ पर फिनिश ऑफ करने का ट्राई पूरा पूरा करते करते यहाँ पर जी हाँ यहाँ पर हील भी किया गया बहुत ही चालाक थे प्लेयर जो सोफे के पीछे बैठे थे हील कर दिया बट कहने के आइकॉनिक ने फिर भी हार नहीं मानी नॉक निकाला एंड बचे हुए प्लेयर को भी यहां पर पनिशमेंट दे दी गई उसके बाद पहाड़ी एक के बाद एक टॉक है हमें निकालते हुए एंड देखते हैं। देखते हैं यहां पर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी रुक नहीं रहते जी बिल्कुल इनका डबल स्नाइपर यहाँ पे कैर डाली थी पॉकेटरी के मैप में पहाड़ी के हैशटैग बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे डिलीट बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे सोलो सर्वाइवर यहाँ पे फिर भी एक कमाल का बिल्कुल छप्पन इंच का जिगरा लेके आगे बढ़ रहे थे पता था इनको हम अकेले हैं फिर भी यहाँ पे रश गेम प्ले दिखा रहे थे बात की जाए कुनाल की तो एम एड सेवन के साथ यहाँ पे कैर डाने की कोशिश कर रहे थे बट एम फोर एवन के वो प्यारे हेडशॉट विपुल की तरफ से हमें देखने को मिले थे यार खुशी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही थी ये इतने तगड़े हेडशॉट देखे स्ले कमाल का हेडशॉट यहाँ पे देखने को

ट्रैक शॉट हमें नजर आया गाइस डिलीट की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा आईक्यू लेवल दिखाया जो कवर देने वाले प्लेयर थे सबसे पहले उनको नॉक किया एंड बाद में यहां पर रशर को नॉक करके यार इस फाइट को अपने नाम कर लिया पांच किल टोटल गेमिंग के इस दौरान इनके खाते में छठा किल माफिया ने कमाल ढूंढा एंड अपने खाते में यहां पर डबल किल करके टोटल छे किल्स जोड़ लिए थे टोटल गेमिंग का एक कमाल का गेम प्ले यहां पे देखने को मिल रहा था बाला शैतान का साला ऐसे की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा था एम पी फाइव यार आखिरी प्लेयर को खत्म किया इस फाइट को अंजाम दे दिया अर्श यहाँ पे यार एके फोर्टी सेवन के साथ फोर एक्स करके खोपड़िया खोल रहे थे एंड स्मोकी यहाँ पे एम टेन के साथ अपने करारे प्रहार लगा के फैंस को खुश कर रहे थे हैशटैग स्मोकी भी यहाँ पे बहुत सारे फैंस लगा रहे थे सासिन के हैश

सबसे यहां, यहां पर सेकंड पोजीशन के ऊपर नजर आ जाएगी बट सर्वाइवर फोर एम जैसा नाम वैसा ही सर्वाइव यहां पर किया गया तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट सर्वाइवर्स के पास यहां पर रहेंगे 70 पॉइंट्स इनके पास रहेंगे बट फोर्थ पर हमारी प्रो निशन आ जाएगी पॉइंट्स इनके पास रहेगी तो अच्छा खासा डिफरेंस यहां पर ऊपर की टीम ने क्रिएट करके रखा हुआ टीम इन यहाँ पर 54 पॉइंट्स के साथ हमको नजर आ जाएगी टोटल गेमिंग यार 54 पॉइंट्स उनके पास भी रहेंगे बट गाइस यहां पर हमारी जो टॉप फोर टीम्स है वो जो है वो क्वालिफाई होकर आगे सेमीफाइनल में जाने वाले यार बहुत अच्छा गेम प्ले कहीं ना कहीं टीम लीडर सचिन आर्मी सर्वाइवर एंड थ्रो निशन ने यहाँ पर दिखाया और साथ से जो बाकी टीम्स है यहाँ पर बहुत अच्छा गेम प्ले बहुत अच्छी फाइट्स इनकी तरफ से हमको देखने के लिए मिली तो टीम इन टोटल गेमिंग टीम सोल्ड एलवी आइकॉनिक स्टोन क्रशर टी एच यार्ड है सभी गेमिंग यार ये सारी की सारी टीम्स जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से फाइट्स को एग्जीक्यूट किया गया अच्छी खासी फाइट्स की गई टीम्स को वाइपआउट करते हुए हर एक टीम लगातार आगे बढ़ी तो गाइस यहां पर ये चारों टीम्स जो है वो निकल कर आ चुके हैं यहां पर आपको ये टीम यहां नहीं दिखेंगे, में दिखेंगे आपको जे बिल्कुल और जी बिल्कुल एंड हमें एंटरटेन करते हुए नजर आएगी जी आपको यार एक आखिरी मौका है अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये रिजल्ट पता चले एंड सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाओ ताकि टूर्नामेंट में यार आप एंट्री भी कर पाओ एंड हमेशा टूर्नामेंट का लुप्त आप उठा सको एंड अगर लुप्त समय पर उठाना है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करके रहेगा ताकि वो चीज आपको नोटिफाई करते रहेगी हर बार जब आपकी फेवरेट टीम यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने के लिए आएगी एंड संजीव क्या कहना चाहेंगे यार प्लेयर्स भी पे ये टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल गाइस आप लोग भी खेल सकते हो इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को यार भी कर सकते हो तो गाइस बहुत ही गायसल आपको जाना प्ले स्टोर और स्टोर पर डाउनलोड करने गेम डॉट टीवी हर दिन आप लोग बहुत सारे टूर्नामेंट्स टूर्नामेंट परिष्ट कर सकते हो सोलो हो तो सोलो खेल सकते हो डुओ हो तो डुओ खेल सकते हो अगर स्क्वाड है तो और भी ज्यादा मजा कहने का आएगा आप लोग भी यार भारी पड़ सकते हो एक से बढ़कर एक टीम का टीम लीट हो यहाँ पे टोटल गेमिंग हो आप लोगों को पूरा पूरा मौका यहाँ पर मिलेगा कि आप लोग भी यार अच्छा गेम प्ले पर दिखाएं तो यार जल्दी से जाइए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हम लोग भी यार देखा जाए तो फिलहाल जाने से पहले एक अटेंशन जो यहाँ पर दी गई है और वो यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं स्टे सेफ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड तो गाइस आपको अपने घर में बने रहना बाहर जाना है बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो ही बाहर एंड मैं तो यहाँ पर राय दूंगा कि यार बिल्कुल भी घर के अंदर ही रहे एंड मोस्टली अगर जरूरी है ही जाए मास्क लगाना है एंड हर थोड़ी देर में अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहने अपना बचाव रखना है अपने फैमिली का बचाव यहां पर बिल्कुल आप रखना हम लोग गाइस ऐसे ही टूर्नामेंट के साथ लगातार वापस आते रहेंगे तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट